बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज का जो सेशन है हमारा वो है ऑटो डीएस रिलेटेड। जिन लोगों ने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया, बेसिकली ये कंटिन्यूड है, ये उसी सेशन को हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम ईबे पे लिस्टिंग्स कैसे करते हैं। ईबे जो हमारा मार्केट प्लेस है, इस पे हम ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, इसके ऊपर हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगाते हैं। तो ये लिस्टिंग जो है वो मैनुअली कैसे की जाती है, और उसके अलावा हमने इसमें डिस्कस किया था कि प्रॉक्सी सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट हम जो है ये बिजनेस अपना रन कर सकते हैं। पाकिस्तान से बैठे हुए हम अपने जो है वो यूएस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको कैसे हम लोग राउट करवा सकते हैं अपने ईबे कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो प्रॉक्सी सेलिंग का जो लोग नए जिन्होंने ज्वाइन इन किया उनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। प्रॉक्सी सेलिंग एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो अमेजन पे सेलर्स हैं, FBA सेलर्स, जिनका स्टॉक अमेजन पे लिस्ट हुआ हुआ है और वो अमेरिका के अमेजन के वेयर हाउस में पड़ा होता है, ये लोग हमारे इस ग्रुप में आके अपनी लिस्टिंग्स को ऑफर करते हैं कि आप ईबे के ऊपर हमारी इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लें। और आप इसको से के उन्होंने $15 पे वो अपनी अमेजन पे सेल कर रहे हैं, तो वो मे बी आपको 12 या 10 डॉलर्स पे ऑफर करते हैं कि ये $10 पे आप हमसे ले लें और आप अपने ईबे पे जाके इसको सेल कर लें। तो उससे क्या होता है कि हमें एक प्रोडक्ट मिल जाती है, ईबे सेलर्स को एक प्रोडक्ट मिल जाती है जो कि अमेरिकन वेयर हाउस में पड़ी हुई है। हम उसको लिस्ट करते हैं और जब हमें से सेल्स आती है तो हम अपने अमेजन प्राइम बायर अकाउंट से जाके उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं FBA सेलर से, और अब उसमें एड्रेस मेंशन कर देते हैं अपने ईबे सेलर का, जो बायर का सॉरी। तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेजन जो है वो हमारे बायर को शिप कर देता है। सनी अली साहब, आपकी इसके ऊपर वीडियोस हैं प्रॉक्सी सेलिंग के कॉन्सेप्ट को, जो जिन स्टूडेंट्स जो नए बूट कैंप में जिन्होंने ज्वाइन किया है, रिसेंटली ज्वाइन किया है, जो इस कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं है, वो अमेजन FBA पाकिस्तान के ऊपर जो है वो प्रॉक्सी सेलिंग की वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देख लें। प्लस जो लास्ट सेशन हुआ हुआ है उसमें ये बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, उसको देख लें तो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज जो है हम लोग ऑटोमेट करना सीखेंगे कि हम अपने ईबे के प्रोसेस को किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है वो टाइम सेव कर सकते हैं और तेजी से लिस्टिंग कर सकते हैं, और किस तरह से हम जो है वो अपनी अर्निंग्स वही सेम विदाउट मच इन्वेस्टमेंट हम अपनी जो है वो अर्निंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ईबे का जो बिजनेस मॉडल है ये किचन एक्सपेंसेस को रन करने के लिए बड़ा अच्छा है। स्टार्टअप में आप अगर न्यू है ई कॉमर्स मार्केट में तो एक आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए अच्छा है, क्योंकि आप बड़ी कम इन्वेस्टमेंट में आप इसको बिजनेस को कर सकते हैं। जब आप अमेजन के बिजनेस पे जाते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म एक बड़े बेनिफिट वाला एक एसेट नेचर का एक बिजनेस है जिसमें आपका कोई एसेट बनता है। ईबे का ये है कि आप बस जब तक इसमें एक्टिव रहेंगे, जब तक आप अपना दिन का एक मेजर पोर्शन इसके अंदर स्पेंड करते रहेंगे तो आप इससे जो है वो अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट में करना चाहूंगा कि हमने बेसिकली आज तो सेशन में हमने समझना ये है कि ऑटो डीएस का सेटअप कैसे होता है, किस तरह से उसमें हम लोग जो है वो सेटिंग्स करेंगे और हम अपने प्रोसेस को ऑटोमेट किस तरह कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो हमारा ग्रुप का पर्पस था, इसी प्रॉक्सी सेलर का ग्रुप का जो पर्पस था, उसको मैं थोड़ा सा दोबारा रीडिफाइन करना चाहता हूँ कि हमने ये ग्रुप बनाया था और इसका क्राइटेरिया ये था कि जो शख्स within 24 आवर्स में लिस्टिंग कर सकता है ईबे के ऊपर, अमेजन FBA सेलर से लेके अपने ईबे पे लिस्ट कर सकता है, हम सिर्फ उसको एंटर करते थे। और पहला क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये था कि हम उनको एक सैंपल लिस्टिंग देते थे, जब वो उसको लिस्ट कर लेते थे within 24 आवर्स तो हम उनको जो है वो एंटर कर लेते थे। लेटर ऑन सनी अली साहब ने इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया पॉलिसी को, कि ऐसे बूट कैंप स्टूडेंट जो अभी अरेंज कर रहे हैं ईबे अकाउंट, उन्होंने अमेजन ले लिया है या बूट कैंप में आ गए हैं और उन्होंने लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है और वो चंद एक दिन में अपना ईबे अकाउंट भी अरेंज कर लेंगे, तो उनको भी फिर हमने जो है वो ऐड करना शुरू कर दिया। मतलब हमने अपना क्राइटेरिया रिलैक्स ये कर लिया कि जिसके पास भी एक ईबे अकाउंट है या पेपैल अकाउंट है और वो ईबे अकाउंट बना सकता है तो हम उसको हमने एंटर कर लिया। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारे पास मेंबर तो माशाल्लाह काफी सारे आ गए हैं इस ग्रुप में, लेकिन जो इस ग्रुप से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये विद इन अ डे जब कोई अपनी लिस्ट ऑफर करता है
तो 100+ सेलर्स जो है उसको फॉरेन लिस्ट कर देंगे, वो चीज अभी तक अटेन नहीं हो रही। 7, 8, 10, 12 लोग जो है वो मैक्सिमम आते हैं और वो लिस्ट के अंदर लिस्टिंग कर रहे होते हैं, और बाकी सारे मेंबर्स जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो ग्रुप में आ गए हैं, अब सीरियस नहीं है, या बिजनेस को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। या एक पोटेंशियल मुझे रीजन ये नजर आता है कि कुछ लोग बहुत एंथुजियास्ट थे, वो आए इस बिजनेस में, लेकिन उन्होंने देखा कि यार रिटर्न नहीं आ रहा, कोई सेल्स नहीं हो रही, लिस्टिंग लगाई हुई है 2-2 महीने हो गए हैं, 10-15 लिस्टिंग लगाई हुई है और सेल ही कोई नहीं आई, या 4-5 लिस्टिंग लगाई और फिर सेल ही कोई नहीं है, तो फिर वो कहते हैं यार ये तो फायदा ही नहीं है, हम इस पे क्या टाइम जाया कर रहे हैं अपने। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि ये बिजनेस जो है वो उनको रिटर्न नहीं दे रहा, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि दो चीजों को आपको समझने की जरूरत है। जब मैंने 4 साल पहले ईबे का बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की और मैंने को 5-6 लाख रुपए का स्टॉक पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोडक्ट जो मुझे लगता था कि मैं ईबे पे सेल कर सकता हूँ, मैंने वो जाके डिफरेंट मार्केट से वो प्रोडक्ट्स उठाए, उनको अपने पास लाके स्टोर किया, उनकी पैकिंग अरेंजमेंट्स की अपने पास, उनको उनकी पिक्चर्स ली, ठीक है। एक बड़ा पेन वाला प्रोसेस था कि उनको सारे को जो मतलब ड्रेसेस थे उनको डमी को पहनाना, जो के कहते हैं उसको प्रोडक्ट बॉक्स में रख के उनकी वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें खींचना, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी मैनुअली हर चीज की लिस्टिंग बनाना, टाइटल बनाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, उनकी मेजरमेंट्स लेना, मतलब एक बड़ा पेनफुल टास्क था। एक दिन में हद 3-4 प्रोडक्ट्स को शायद मैं पूरे दिन में कर पाता था और वो मैं जाके लिस्ट करता था, प्लस मैंने इन्वेस्टमेंट की भी थी। फिर जब वो सेल होती थी तो वो मेरी प्रोडक्ट मैं पाकिस्तान से शिप करता था, ठीक है। और जो है फिर एक मैंने इन्वेस्टमेंट की, अब मुझे पता नहीं है यार वो प्रोडक्ट मार्केट में क्लिक भी करेगी कि नहीं करेगी, मेरी वो इन्वेस्टमेंट कितनी देर तक उस प्रोडक्ट के अंदर फंसी रहेगी जो मैंने पैसे लगाए हुए, ठीक है। इसके बरक्स जो ईबे ड्रॉप शिपिंग या प्रॉक्सी सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा, आपको एक आपने $60 का एक स्टोर खरीदा है, एक आपने $10-12 की अमेजन प्राइम बायर अकाउंट अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया मंथली वो आपने स्पेंड किए पैसे, ठीक है। और आपने ऑटो डीएस ले लिया से फर्स्ट मंथ के लिए $1 है, फिर $7-8 ऑटो डीएस पे आपने लगा लिया, तो आपने बहुत भी हद $40-50 के अंदर आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी कोई टाइम के अलावा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और फिर भी आप इतनी जल्दी से डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि आप जो 4-5 प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद सोचते हैं कि जी इस बिजनेस में स्कोप नहीं है, या ये तो मतलब सिर्फ मतलब बहुत सारे लोगों का फीडबैक ये आया कि ये FBA सेलर्स के लिए तो शायद अच्छा है, ईबे सेलर्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए सनी अली साहब ने जब ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था तो उन्हें पता था कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद इन्वेस्टमेंट या नॉलेज अभी नहीं है अमेजन की तरफ जाने की, तो उनको मोबिलाइज करने के लिए कि चले उनकी भी कुछ इनकम स्टार्ट हो जाए, उनके लिए ये एक्टिविटी बेसिकली स्टार्ट की थी कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना बिजनेस को रन कर सके। अब FBA, अब मैंने एक अपने मॉडल डिस्कस किया, एक FBA मॉडल कि मैं कैसे काम कर रहा था। ईबे का ड्रॉप शिपिंग का प्रॉक्सी सेलिंग का मॉडल कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी की लिस्ट है, उसने उस पे 7, 8, 10 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट किए हुए, उसने उसको यूएसए में रखा हुआ है और वो आपको अपनी लिस्ट ऑफर कर रहा है कि भाई आप ये लेके लगा ले, आपका क्या जा रहा है, आपने जस्ट 15-20 मिनट लगाए और आपने वो लिस्ट कर दी, नहीं बिक रही तो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी स्टक हुई, सॉरी आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी स्टक हुई भी उसके अंदर कि आप जो है परेशान हो गए कि जी ये तो चीजें बिकी नहीं रही हैं। सेकंड, आप जो है आपको एक आपको सर्विस मिल रही है कि आपने एक प्रोडक्ट नहीं लगाई, आपने अगर 30-50 FBA सेलर्स अवेलेबल है, आपने 50 डिफरेंट प्रोडक्ट लगाई हैं, ठीक है 30 नहीं चलती, 20 तो चलेंगी, 20 नहीं चलती 10 तो चलेंगी, आपके ऊपर आपके पास सेल्स तो आएगी, आपका क्या जा रहा है, आपका लक क्या रहा है, ठीक है। तो मुझे वो डिमोटिवेशन की लोगों की वजह समझ नहीं आई कि अगर सेल नहीं हो रही तो वो डिमोटिवेट क्यों है, और अगर सेल नहीं हो रही तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उसको सेल क्यों जनरेट करें, क्या उन्होंने सेटिंग सही नहीं की हुई, क्या उन्होंने जो है प्राइसिंग अच्छी नहीं की हुई, क्या उन्होंने लिस्टिंग के ऊपर काम नहीं किया हुआ, इस चीज के ऊपर वर्कआउट करने के बजाय कि हम किस तरह सेल जनरेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि बस वो डिसअपॉइंट होके बैठ गए, ठीक है। तो ये बड़ा एक नेगेटिव एटीट्यूड है, जो मतलब इसको चेंज करें, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप इसका फायदा उठाएं। सेकेंडली ये कि एक मैंने सेशन अभी रिसेंटली अटेंड किया, ये लॉयर पोजिन जो है ये CEO ऑटो डीएस के, इनका एक सेशन था द 7 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल ईबे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, ठीक है। उसमें जो रूल नंबर 1 था वो था द लॉ ऑफ बिग नंबर, कि
उन्होंने कहा कि ईबे में सेल्स लेने के लिए, अच्छे प्रॉफिट्स लेने के लिए 8 to 10,000 लिस्टिंग्स होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रॉक्सी सेलर्स जो हैं वो 8 या 10 मैक्सिमम लिस्टिंग करने के बाद बैठ गए कि सेल नहीं है, ठीक है। और वो साहब कह रहे हैं कि 8 से 10 हज़ार लिस्टिंग्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इतनी जल्दी क्यों हिम्मत हार गए, ठीक है। हमने तो अभी 100 भी नहीं अचीव किया। सनी अली साहब ने जब ये लॉन्च किया था तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि ईबे सेलर्स का टारगेट 100 लिस्टिंग्स होना चाहिए। 100 लिस्टिंग्स होंगी तो सेल्स आस्ता आना शुरू होंगी, क्योंकि अमेजन जो है वो एक एक्सपेंसिव मार्केट है, ईबे एक चीप मार्केट है। आप अमेजन की एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को उसके ऊपर मजीद अपनी क्या कहते हैं एक्सपेंसेस ऐड और अपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद आप लिस्ट कर रहे हो, तो आपको इतनी जल्दी उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। आपको उसको प्रमोटेड लिस्टिंग में लगाना होगा, आपको उसके ऊपर काम करना होगा, आपको ज्यादा लिस्टिंग करनी होगी, तब जाके आपको सेल्स आना शुरू होगी, ठीक है। तो हमने तो बस सिर्फ 8-10 लिस्टिंग लगाई और हम बैठ गए, ठीक है। तो इस चीज को हमें चेंज करना है, हमें इनको लिस्टिंग के नंबर ऑफ लिस्टिंग को इम्प्रूव करना है। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं ये भी बात स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ प्रॉक्सी सेलिंग के ऊपर जो है वो ना रहे, लिमिट ना करें अपने आप को कि यार मैंने, एक बंदे ने पोस्ट डाली आज, उसे मुझे मैसेज किया कि जी मुझे कोई लिस्ट ही नहीं दे रहा। एफबीए सेलर जो है, मैंने पोस्ट डाली और एफबीए सेलर जो है उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। एफबीए सेलर अपनी अमेजन की लिस्टिंग को हैंडल कर रहा है, वो अपने हाउस होल्ड मैटर्स को हैंडल कर रहा है, उसके पास शायद इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पीछे भागेगा कि यार आओ आप मेरी लिस्ट कर दें, आप मेरी लिस्ट कर दें, आप मेरी लिस्ट कर दें, ठीक है। जब हम उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, हाँ एक दिन हम इस ग्रुप को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि किसी की भी लिस्ट फेल हो चुकी है, अब उसको अपना स्टॉक रिलीज करना है, वो चाहता है जल्दी जल्दी ईबे में मेरे अमेजन के वेयर हाउस में से मुझे स्टोरेज कॉस्ट पड़ना बंद हो और मेरी ये जो ब्रेक इवन के ऊपर मेरी प्रोडक्ट चली जाए, वो आपके पीछे भागेगा क्योंकि उसको पता होगा कि यार ये ईबे के सेलर्स जो है ये मेरे लिए ये काम कर सकते हैं। या जब हम डेली बेसिस के ऊपर लोगों को रिव्यू ला के देना शुरू कर देंगे अमेजन के सेलर्स को, तो उनको पता होगा कि यार द चीपेस्ट और इजिएस्ट वे और फास्टेस्ट वे जो है वो इसी प्रॉक्सी सेलर ग्रुप है, जिसके थ्रू मुझे फीडबैक्स आ सकते हैं, रिव्यूज मिल सकते हैं, तो वो फिर आपके पास आएगा, वो आपको मैसेज करेगा कि जी मेरी भी लिस्ट लगा दे। लेकिन आज हम उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो वो हमें लिस्ट के हमें क्यों रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। एक ये चीज है, और फायदा किसका है, देखिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने अपने बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं या कर रहे हैं या कर लिए हैं, उनको उससे रिटर्न आ जाएगा, उनको प्रॉक्सी सेलर की अगर वो एस्टेब्लिश हो गए तो इतनी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। हमें उनकी जरूरत ज्यादा है क्योंकि उनकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। हम ईबे के बिजनेस को एक साइड बिजनेस के तौर पे, किचन मनी के लिए हम इसको चलाना चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर बड़ी 8-10 हज़ार डॉलर की, 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं जो ऑलरेडी लिस्टिंग्स अवेलेबल है उन्हीं से बेच के 300-400-500 डॉलर कमाते हैं महीने का, ठीक है। अब 9 to 5 कोई जॉब करता है, 50,000 जिसकी सैलरी है वो 9 to 5 जॉब करता है, वो इतनी मेहनत करता है सारा दिन में और फिर उसको मंथ एंड पे 50,000 मिलते हैं। आप दिन में 1 घंटा भी लगा दें ईबे के ऊपर तो आप 2, 3, 4, 5 लिस्टिंग्स कर सकते हैं। अभी मैं आपको ऑटोडीएस से लिस्टिंग सिखाऊंगा कितना प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो हम इस 30-40 हज़ार रुपए को लगाने पे इस पे क्यों नहीं मेहनत कर रहे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम इसके ऊपर लिस्टिंग को अपनी इंक्रीज करें। अच्छा, अब लिस्टिंग्स कैसे आएंगी, अब प्रॉक्सी सेलर से कि एफबीए सेलर ने आपको लिस्टिंग नहीं दी, ठीक है। सबसे पहले तो है कि मैं आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूँ। कोई एफबीए सेलर है जो अपनी लिस्ट ऑफर करना चाह रहा है ईबे सेलर्स को, तो वो मुझसे रब्ता करे। मैं जो टॉप ईबे सेलर्स हैं उनको वो लिस्टिंग खुद दूंगा, उन्हें बताऊंगा कि जी ये लिस्टिंग को लिस्ट कर दें। और जो बाकी ईबे सेलर्स हैं, मैंने टॉप सेलर्स की बात की, वो मुझे प्रूफ करें कि वो भी टॉप सेलर्स हैं, वो भी डेली बेसिस के ऊपर विदिन 24 आवर्स लिस्ट को लिस्ट करें, उसकी उनकी जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करें, ताकि मैं उनको कैटेगरी में डालूं, ताकि आप लोगों को ज्यादा ज्यादा लिस्ट मिलना शुरू हो। अच्छा, और एक चीज जो बहुत जरूरी है एक नए ड्रॉप शिपर के लिए, एक नए ईबे सेलर के लिए, ईबे जो है वो बहुत जल्दी आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। आपने यहाँ पर अकाउंट बनाया, पहली लिस्ट नहीं की आपने और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है। ईबे की एक जनरल प्रैक्टिस है, वो अपने जो सेलर्स हैं उनसे नो हाउ बिल्ड करने के लिए, उन्हें वो चेक करने के लिए कि कोई कोई प्रॉपर सेलर आया है या कोई बंदा जो है उसने अपना डुप्लीकेट अकाउंट बनाया है, पहला सस्पेंड हो गया था और वो ईबे प्लेटफॉर्म को गलत यूज करेगा या स्कैम करेगा सेलर्स को, या शायद वो अनइन्फॉर्म्ड सेलर है और वो उसको समझता नहीं प्लेटफॉर्म और वो उस प्लेटफॉर्म को अब यूज करेगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो आपको सस्पेंड करके आपका एक इंटरव्यू करते हैं।
जब आप प्रॉक्सी सेलिंग कर रहे हैं और आप अपनी ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस का स्टार्ट प्रॉक्सी सेलिंग से लेते हैं, तो आपके जब अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और वो आप उनको कॉल करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे, जी आप इन्वेंट्री सोर्स कहाँ से कर रहे हैं? आप कहेंगे मैं तो अमेजन से ले रहा हूँ, या अलीबाबा से ले रहा हूँ, या वॉलमार्ट से ले रहा हूँ, या सैम्स क्लब से ले रहा हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। तो वो उसी वक्त आपके अकाउंट को जो है वो सस्पेंड कर देंगे परमानेंटली, कि ये जो सैलर है ये सस्पेंडेड फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे जी मेरा वेयर हाउस जो है वो, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने पाकिस्तान से अकाउंट बनाया है, लेकिन मैंने एक प्राइवेट फुलफिलमेंट सेंटर जो है डेलस टेक्सास में एक मैंने हायर किया है, ये उसका जिप कोड है उस सेंटर का, और मैं अपनी जो प्रोडक्ट है वो सोर्स करता हूँ चाइना से और डेलस टेक्सास के वेयर हाउस में रखता हूँ, और वहां से मैं फिर अपने फुलफिलमेंट कर रहा हूँ। वो कहता है भाई आप जरा मुझे अपनी इन्वाइसेस भेज दें कि आपने ये सोर्स किधर से किया है, ठीक है। अब उसने आपसे इनवाइस मांग ली, अब आप ये बात सोचें कि अब आपको इनवाइस चाहिए, कहाँ से मिलेगी आपको इनवाइस? कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट की है वो किस वेयर हाउस में थी? कैसे आपने बोल दिया डेलस टेक्सास? वो आपने ऐसे बोल दिया कि जो आपका FBA सेलर है, जब आप उसकी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और कल को आप उसके पास जाते हैं या आप मेरे पास आते हैं कि जैन भाई ईबे ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, मुझे जो है इनके वेयर हाउस की डिटेल्स चाहिए, ठीक है। मैं उनको कॉन्टेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप मुझे अपने वेयर हाउस की तस्वीरें भेज दें, अपनी इनवाइसेस भेज दे, उसमें मैंने मोहित हनीफ साहब आपका नाम जो है वो एडिट किया कि मोहित हनीफ साहब को चाइना से उन्होंने ये परचेज किया प्रोडक्ट और इन्होंने 1000 पीस जो है वो एक किसी वेयर हाउस में डंप किए हुए, ठीक है। तो आपको एक बैकिंग मिल जाती है, आपको एक बकायदा बिजनेस प्लान विद सॉलिड इन्वाइसिंग, और आपको वो प्रूफ मिलता है कि आपका अकाउंट जो आपका नया अकाउंट था और वो सस्पेंड हो गया था, और आपको पूरी उसकी एक सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। तो आप अपना स्टार्ट प्रॉक्सी सेलिंग से ले, फिर बेशक अपने आप को लिमिट ना करें, फिर ड्रॉप शिपिंग में जाएं, फिर जितने भी प्रॉक्सी सेलर जो FBA सेलर है उनकी प्रोडक्ट लिस्ट करने के साथ आप 100, 200, 500, 10,000 लिस्टिंग्स कर दें ड्रॉप शिपिंग में, क्या होगा कि आपके पास एक बैकिंग थोड़ी सी होगी, ठीक है। आपको आपका अकाउंट जो है वो इनिशियल सस्पेंशन से निकल के आगे चला जाएगा और फिर आप उसके ऊपर काम करें, क्योंकि ईबे बाय लॉ ड्रॉप शिपिंग को डिस्करेज नहीं करता, वो इनको वो बैन नहीं है वहां पर ड्रॉप शिपिंग करना, ड्रॉप शिपिंग बैन नहीं है, लेकिन ईबे ये नहीं चाहता कि कोई अनइन्फॉर्म्ड सेलर जो है वो उस प्लेटफॉर्म को आके अब्यूज कर दे, उसको पता ना हो कि काम कैसे होता है, बस पता चला अच्छा जी ईबे से भी कमाई हो सकती है, लिस्ट लगा के बैठ गए, ऑर्डर आया, अभी 10 दिन हो गए, चेक ही नहीं किया खोल के कि भाई ऑर्डर आया हुआ है। तो जो आप अब बायर के परस्पेक्टिव से सोचें कि अगर बायर ने कोई चीज बाय की है और उसको वो 10 दिन तक कोई बताए बताई नहीं रहा उसको कि वो प्रोडक्ट शिप हुई नहीं हुई, करनी है नहीं करनी है, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा सेलर के टुवर्ड्स और टुवर्ड्स मार्केट? वो कहेगा यार ईबे मार्केट ही खराब है, तो वो नहीं चाहते ईबे के आप जो है इस तरह की सेलिंग करें और उनके प्लेटफॉर्म को अब्यूज करें, तो इसलिए वो चाहते हैं कि सॉलिड सेलर्स आए। तो जब एक स्टेब्लिश्ड बंदा होता है वो सेल्स करना शुरू हो जाता है, उसके पास फीडबैक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ईबे को पता चल जाता है कि यार इसकी प्रोडक्ट और इसकी सर्विस से कस्टमर सेटिस्फाइड है, कल को वो ईबे को फोन करके कहते हैं ना कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, या मेरी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे पाकिस्तान के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने ईबे में वो सॉरी यूएसए में रखी हुई है किसी वेयर हाउस में, और कुछ प्रोडक्ट्स जो है जिनको मैं टेस्ट कर रहा था, ये मैंने टेस्ट करने के लिए लगाई थी कि अगर ये प्रोडक्ट मेरी ईबे के ऊपर अच्छी रन करती है तो फिर मैं अपनी बाकी प्रोडक्ट्स की तरह इसको भी सोर्स कर लूंगा, इसको भी मैं मंगवा के डायरेक्ट अपने वेयर हाउस में रखवा लूंगा। तो वहां पर आपके पास एक क्वेश्चन हो जाता है, आपके पास एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि आप उनसे निगोशिएशन कर सकते हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपका स्टोर सस्पेंड ना करें, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो आपका स्टोर सस्पेंड ना करें। तो ये सब चीजें जो है ये मेरे जो एक पॉइंट था कि हमें थोड़ा सा इस मैटर को थोड़ा सा सीरियसली लेना होगा कि प्रॉक्सी सेलिंग का जो ग्रुप है आप उसमें ऐड हैं, आपको प्रिविलेज मिल रहा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आज का सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, फिर 24/7 की मेरी सपोर्ट में आपको गारंटी करता हूँ, इंशाल्लाह आपको ईबे के अंदर कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, ग्रुप में पोस्ट करें। ग्रुप में पोस्ट करने का बेनिफिट ये मिलता है कि आपका एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग शाये होते हैं या उनको आपके क्वेश्चन से उनको कोई चीज़ समझ आ जाती है जब हम उसका आंसर कर रहे होते हैं, तो ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पोस्ट करें ताकि हम इस कम्युनिटी को और सारों की इसमें बेनिफिट हो। अच्छा अब आ जाते हैं ऑटो डीएस पे। ऑटो डीएस बेसिकली क्या है? ऑटो डीएस एक टूल है जो हमें दो तीन बड़े मेजर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को जो पहले जानते हैं या जिन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली हुई है, मैं इसको एज अ ईबे सीजन सेलर, मैं 4 साल से ईबे पे काम कर रहा हूँ, 4-5 साल से, मुझे ड्रॉप शिपिंग आज भी खतरनाक लगती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि
मुझे आदत हुई भी है कि प्रोडक्ट मेरे वेयरहाउस में पड़ी हुई है, मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीसेस पता है कि कितने पड़े हुए हैं, उनकी क्वालिटी का मुझे पता है, और मैं वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जब मेरी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी मैं उसको डीलिस्ट कर दूंगा। जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते थे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि आपने अमेजन से कोई प्रोडक्ट उठाई और ईबे पे लिस्ट कर दी, आपकी प्रोडक्ट बिक गई और आपने जाके देखा कि अमेजन पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, अब आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा या आपको वो प्रोडक्ट कहीं और से लेनी पड़ेगी। से कि अमेजन में वो आपको $10 की मिल रही थी, आप जाके किसी और सेलर से देखते हैं तो अब कोई ऐसा सेलर ही नहीं है जो $10 की बेच रहा है, आपने खुद $15 की लगाई थी, अब $18 की आपको मिल रही है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आता थे। दूसरा ये प्राइस चेंज का, कि आपने प्रोडक्ट लगाई, आपने देखा प्रोडक्ट हंट की, आपने देखा कि यार एक प्रोडक्ट $20 की लगी हुई है, आपने उसको ईबे पे $30 की लगा दिया, ठीक है, कल को जाके आपने देखा कि वो तो वहां पे डिस्काउंट पे उसने उस वक्त प्रमोशन लगाई हुई थी जब आपने वो लिस्टिंग चेक की है, अब वो तो प्रोडक्ट ही उसने $50 की कर दी है, तो अब आप तो लॉस में चले गए, ठीक है। उसके बाद ये इश्यूज आते थे, ठीक है। फिर ये है कि जब आप अगर 10 आइटम्स है तो शायद आप दिन में एक दफा, बहुत आप केयरफुल भी, आप दिन में एक दफा देख लेंगे यार प्राइसिंग तो चेंज नहीं हुई क्या, वो उनका स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट 100 लिस्टिंग्स, 200 लिस्टिंग, 500 लिस्टिंग, आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। देन एक प्रॉब्लम ये आता था कि आपने प्रोडक्ट लेके लगा तो दी, अब आपको ये नहीं पता कि यार ये मैंने कहाँ से पिक की थी, ये मैंने वॉलमार्ट से उठाई थी लिस्टिंग या अमेजन से उठाई थी, अच्छा अमेजन से उठाई थी तो किस सेलर की मैंने प्राइस को चेक किया था या किस सेलर की मैंने प्रोडक्ट लगाई हुई थी, अब वो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही, आपने 100 लिस्टिंग की हुई, अब आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे कि यार परचेज कहाँ से करूँ। तो ऑटो डीएस जो है वो आपको यहाँ पर आके हेल्प करता है कि वो एक मॉनिटरिंग टूल है। ऑटो डीएस आपके स्टॉक्स को मॉनिटर रखता रहता है, जैसे ही वो देखते हैं कि ईबे के, अमेजन के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट जो है वो एंड हो गई है, या आपने मेंशन कर दिया कि जब अमेजन में 5 रह जाएं तो मेरी लिस्ट को डीलिस्ट कर दो या जीरो कर दो स्टॉक को, तो जो ऑटो डीएस है वो जैसे ही वो नंबर आएगा या जैसे ही वो लिस्ट जीरो हो जाएगी, वहां पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, तो वो आपकी लिस्ट में ऑटोमेटिकली उसको जीरो शो कर देगा। तो आपको यहां से कवर मिल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है आप आउट ऑफ स्टॉक होने से बच जाते हैं। अब प्रॉक्सी सेलिंग में एक एक प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉक्सी सेलिंग में कुछ जो हमारे प्रॉक्सी सेलर्स थे, सॉरी, उनकी थोड़ी सी मिस्टेक कि वो एक्टिव नहीं रहते, कि उन्होंने देखा ही नहीं कि एक बंदे ने जब उसकी प्रोडक्ट सेल आउट हो गई है, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, ओएसएस हो गई है, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं किया और उनकी लिस्ट में भी लगी हुई है, ठीक है, कल को ऑर्डर आ गया, अब ऑर्डर आ गया वो एफबीए सेलर को फोन पे फोन कर रहे हैं कि जी मुझे वो प्रोडक्ट दें, वो कह रहा है भाई मैंने तो आउट ऑफ स्टॉक मेंशन कर दिया, मैं या किसी एंड पर एफबीए सेलर्स की नेग्लिजेंस हो गई कि उसने बताया ही नहीं कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो वो ईबे सेलर बेची जा रहे हैं, अब वो पता लगा जी वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, अब है भी सारी प्राइवेट लेबल ब्रांड्स, अब वो किसी और से जाके उठाएगा, हमें $3-4 डिस्काउंट में मिल रही थी, अब फुल प्राइस पे लिखनी पड़ेगी, एकदम से एक जो है वो फ्रस्ट्रेशन आ गई, लॉसेस आना शुरू हो गए, ठीक है। तो अब जब हम ऑटो डीएस को यूज करते हैं तो हमारा ये जो आउट ऑफ स्टॉक वाला ऑप्शन वो है, वो जो प्रॉब्लम है वो हमारा खत्म हो जाता है। सेकंड जो है वो प्राइस वाला, जनाब एफबीए सेलर ने या आपने ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दी, तो ऑटो डीएस क्या करेगा, आपके साइट क्राइटेरिया के ऊपर जो प्राइस है आपके ईबे पे भी वो लाइव इंक्रीज कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसके अंदर ऑटो डीएस पे फाइंडर है कि प्रोडक्ट कैसे ढूंढे, कौन सी प्रोडक्ट लगाए, वैसे मैं इस चीज को इतना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये भी एक टूल है कि आप उसको अगर कुछ क्रेडिट खरीद ले ऑटो डीएस से, ऑटो डीएस को पे करके कि मैं 100 प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो आपको 100 क्रेडिट दे देता है और आप जो है वो ऑटो फाइंडर से जो है वो 100 प्रोडक्ट वन क्लिक के ऊपर लिस्ट कर दे अपने ईबे के ऊपर। उसके अलावा ये क्या है, एक लिस्टिंग टूल भी है, अभी मैं आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कितना इजीली हम ऑटो डीएस से अपनी लिस्टिंग जो है वो, लास्ट मैंने आपको सिखाई थी मैनुअल लिस्टिंग, अब हम मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली लिस्टिंग किस तरह से हम लोग इसके ऊपर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक ऑर्डरिंग टूल भी है, आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस अच्छा चल गया है तो आप इनका एक ऑटो ऑर्डरिंग टूल भी परचेज कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो ऑटो डीएस खुद से उस ऑर्डर को परचेज कर लेगा जाके जहां से आपने वो प्रोडक्ट सोर्स की थी, और उसके अलावा फिर वो आपकी जो है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी दे देगा अमेजन को,
और वहां से ट्रैक नंबर लेके आपके ईबे पे, मतलब वो फुल्ली ऑटोमेट पे चला जाएगा। आपने बस प्रोडक्ट हंट करनी है और इसको देनी है कि भाई ये प्रोडक्ट लगा दो, और वो फिर सारा काम खुद से करना शुरू कर देगा। तो ये इस किस्म का टूल है। हाँ, इसमें कुछ फ्लॉज है, अभी भी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट्स चल रही है, लेकिन फिर भी ड्रॉप शिपिंग के लिए जो पहले बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, अब वो ऑटो डीएस की हेल्प से जो है वो काफी इसको उन्होंने क्या कहते हैं रिलैक्स कर दिया, कि हम इसमें जो है वो बड़ी फ्रीडम हमें मिल गई है। हमें हर वक्त, पहले तो ईबे का या ऑटो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस ऐसे था कि आपको बस नींद नहीं आ रही थी, और 15-15 घंटे, जिसका अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है, 100-100 ऑर्डर आ रहे हैं, और इधर से परचेज करना है, उधर से परचेज करना है, आउट ऑफ स्टॉक्स की प्रॉब्लम्स, प्राइस की प्रॉब्लम्स, उनमें ही हम लोग उलझे रहते थे। लेकिन जब से ये ऑटो डीएस टूल है, बाकी और भी टूल्स है, लेकिन इसको हम यूज कर रहे हैं और ये काफी अच्छे इसकी परफॉर्मेंस है, तो ये इससे बड़ी एक हमें हेल्प हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ऑटो डीएस सेटअप कैसे करना है। सिंपली आप ऑटो डीएस जब ओपन, जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो ऑटो डीएस के ऊपर जाएंगे, autods.com पे जाएंगे, ठीक है, और वहां पे जाके अपना अकाउंट बना लेंगे। उस पीसी को यूज कीजिएगा जिससे आप पेपैल एक्सेस कर सकते हैं। लाइक कुछ लोग वीपीएस यूज कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मामू का टीम व्यूअर यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेपैल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। तो जिनके पास भी ईबे स्टोर्स हैं वो ये जानते हैं कि उन्होंने पेपैल किसी न किसी मामू से लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी साहब ने ऑस्ट्रेलिया से पेपैल लिया हुआ है और पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर अपना ईबे अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो अपने ऑस्ट्रेलियन कजन से जाके, अपने मामू से जाके, ऑस्ट्रेलियन मामू से जाके उनके पीसी के ऊपर लॉग इन करेगा ईबे अकाउंट को, और वहां पे लॉगिन करेगा ऑटो डीएस को। ऑटो डीएस पे वो अपना अकाउंट बनाने बनाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा, और ऑटो डीएस फिर उसको कहेगा कि जी आपको $1 फी पे करनी है। फर्स्ट मंथ ऑटो डीएस का $1 है, ठीक है। आप उसको कहेंगे जी मुझे ऑटो डीएस का $1 का पैकेज चाहिए। आप वो ऑटो डीएस जो है वो आपसे पेपैल को कनेक्ट करने को बोलेगा। वहां पे आप अपना पेपैल का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे, वो आपको पेपैल के पेज पे लेके जाएगा, फिर दोबारा ऑटो डीएस के पेज पर लेकर आएगा, और आपका एक अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। फिर ऑटो डीएस आपको बोलेगा कि अब आप इसमें ईबे अकाउंट ऐड कीजिए। फिर आप उसको अपना ईबे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो आपके अकाउंट में लॉग इन करेगा और वहां से अपना जो है लिंक सेटअप कर लेगा, क्योंकि ये हम एक टूल को एक्सेस दे रहे हैं कि वो हमारे बिहाफ पे हमारे ईबे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सेफ है, आप इसको कर सकते हैं। मैं अपना अकाउंट ऑटो डीएस के थ्रू चला रहा हूँ, ये किसी और का अकाउंट मैंने उठाया है, ठीक है, ये ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, वरना जो मेरा मेरा अपना जो अकाउंट है उसके ऊपर मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं सारे वो लिस्टेड है ऑटो डीएस के थ्रू, ठीक है जी। जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है, किसी को प्रॉब्लम आए वो मुझसे पूछ सकता है कि अगर उसका अकाउंट सेटअप में उसको प्रॉब्लम हो तो वो उसको मुझसे पूछ ले। अगर अगर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बना दूं या नेक्स्ट सेशन कर दूं जिसके ऊपर मैं इसको कैसे सेटअप करना है, मतलब साइन अप कैसे करना है। बिल्कुल बड़ा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी अगर अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको टेक केयर कर लेंगे इसकी। अच्छा, जब आपने ऑटो डीएस को साइन अप कर लिया, तो एक आप इस पेज पे आ जाएंगे, एक्टिव लिस्टिंग आपकी जीरो होगी। अगर आपके ईबे स्टोर के ऊपर ऑलरेडी लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं तो वो आपको यहाँ से दिखाएगा कि आपकी इतनी सारी लिस्टिंग जो है वो आपने अदर देन ऑटो डीएस की हुई है, यानी कि मैनुअल की हुई है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ये इसका बेसिकली डैशबोर्ड है। हम सबसे पहले सेटिंग्स में आके इसकी कुछ सेटिंग्स करते हैं ऑटो डीएस को यूज करने से पहले। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर जो सेटिंग है इसमें के कहते हैं एज सच तो कोई खास वो नहीं है। एक चीज जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दे रहा है वो दे रहा है आपका वेयर हाउस लोकेशन, ठीक है, कि आपका अकाउंट जो है वो, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट से आप लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है तो किस लोकेशन से बनाया हुआ है आप वो यहाँ पे लोकेशन मेंशन कर दें, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पे अपनी फी परसेंटेज मेंशन कर देते हैं कि आपको ईबे पे सेल करने के लिए कितना फी पे करना पड़ती है। कुछ लोग जो है वाटरमार्क यूज करते हैं तो वो यहाँ पे वाटरमार्क को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ईबे में जब आप सेल्स करते हैं और ऑटो डीएस को यूज कर रहे हैं, या आप मैनुअल लिस्टिंग भी करते हैं, आप ऑटो डीएस को यूज नहीं करते, तो आपको एक कैलकुलेशन करना होती है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या है कि आपने एक अमेजन से एक लिस्ट उठाई $10 की, ठीक है, अब आप उसको कितने पे लिस्ट करेंगे। आपको कम से कम जब आप सेल करते हैं तो ईबे आपसे 10% जो है वो फाइनल वैल्यू फी के नाम से एक फी चार्ज करता है कि आप ईबे का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप ईबे को ये पे करते हैं उनका प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए, कि जब भी आपकी सेल्स होंगी आपकी सेल का 10% ईबे ले जाएगा।
उसके अलावा जब आपको वो पेमेंट उसकी रिसीव होगी, तो वो पेमेंट के लिए आपने एक अलग से कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसका नाम पेपैल है। वो पेपैल आपसे उस सेल के ऊपर 2.9%, ये यूएस के लिए बात कर रहा हूँ, 2.9% प्लस 30 सेंट्स जो है वो आपसे पेपैल ले जाएगा अगर यूएस अकाउंट है। अगर यूके अकाउंट है तो वो करेंसी कन्वर्जन भी चार्ज कर सकता है, यूएई बेस्ड अकाउंट है तो उसकी फी परसेंटेज अलग है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड अकाउंट है तो वो आपको सबको चेक करना है कि मेरा पेपैल मुझे क्या चार्ज करता है। अगर आपको नहीं कंफर्म है तो आप अपने मामू को फोन करेंगे, उन्हें कहेंगे कि जी पेपैल से फोन करके पता कर लें कि मैं यूएस मार्केट में सेलिंग करने जा रहा हूँ, मेरी पेपैल की फी कितनी होगी, फाइनल वैल्यू फी, ठीक है, वो आपको पता करके बता सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट क्योंकि एक्सपेंसिव सेल कर रहे होते हैं तो हम ईबे को नॉर्मली एक एडवांटेज भी देते हैं, ईबे को हम एक कमीशन देते हैं, ईबे को हम एक मोटिवेशन कह सकते हैं कि देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सेल हो, हम ईबे को जो है वो कमीशन के तौर पे फर्दर कुछ परसेंटेज भी पे करते हैं। 10% उसने हर एक से चार्ज करना है, हम क्या करते हैं, हम 2%, 3%, 5%, 10% डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट और आपकी वो लिस्ट खुद की है या आप किसी के लिए ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आपकी वो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रमोशन ईबे को कितना परसेंट देना चाहते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जब आप अमेजन से जाके कोई चीज परचेज करते हैं तो अक्सर अमेजन उसके ऊपर आपको टैक्स भी चार्ज कर रहा होता है। आप जब देखते हैं कि जी आपने एक प्रोडक्ट अमेजन पे देखी, ठीक है, और जब आप उसको परचेज करने के लिए गए, जब उसको एड टू कार्ट किया तो पता चला $5-6 का जो है उसके ऊपर टैक्स भी था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक हमने एक रफ फिगर एस्टिमेट की हुई है कि आप 6% जो है वो एक रफली एक टैक्स का ले लें, सेल टैक्स का, और हमने इन सारों को एड अप किया तो तकरीबन 19.90 या से 20% जो है वो आपका ब्रेक इवन बनता है कि आपने प्रोडक्ट में 20% तो रिकवर करना ही करना है, तब विदाउट प्रॉफिट होंगे। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने $10 की प्रोडक्ट परचेज की, आपको उसके ऊपर 20% तो रखना ही रखना है। आप गालबन ये प्रोडक्ट जो है वो लगाएंगे, से कि आप ये प्रोडक्ट लगाएंगे ये देखें, आपने कहा कि जी $10 की वो आपको मिल रही है प्रोडक्ट, तो आपको कम से कम इसको जो है वो 1249 की लगाएंगे तो आपको 45 सेंट्स का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि 10% ईबे ले जाएगा, आपने जो प्रमोशन लगाई 1% वो भी ईबे ने आपसे ले ली, 2.9% प्लस 30 सेंट पेपैल ने चार्ज कर लिया, कॉस्ट आपकी खुद की 10 थी तो ये आपको 45 सेंट्स बच रहे हैं। अगर आप ब्रेक इवन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका आप 12 चेक कर ले, हाँ 12 पे आपको ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट है, ठीक है, कम से कम आपको 12 जो है वो प्राइस सेट करना है, ठीक है, 12 पे बेचेंगे आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। फिर इसके ऊपर आपने अपनी एक प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करनी होती है कि अच्छा यार मैंने कितना लेना चाहता हूँ, 10 लेना चाहता हूँ, 20 लेना चाहता हूँ। तो ये पेमेंट मेथड है, ईमेल एड्रेस आप अपना जिससे आपने ऑटो डीएस का अकाउंट बनाया है ये वहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको शो कर रहा है। आपका पेमेंट मेथड, आपने जब ऑटो डीएस का अकाउंट लिया आपने किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिया है, यहाँ से आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान चेंज कर सकते हैं। मैंने इस अकाउंट के ऊपर जस्ट स्टार्टेड एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें मुझे 100 लिस्टिंग का मॉनिटर मिलता है, मैं 100 लिस्टिंग तक ईबे की 100 लिस्टिंग्स को मॉनिटर कर सकता हूँ कि वो आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं जा रही, उनकी प्राइस चेंज तो नहीं हो रही। अगर मुझे मेरी लिस्टिंग से ज्यादा है तो मुझे यहाँ से अपना प्लान चेंज करना होगा। इस जगह पर आके ये सेटिंग्स के टैब में हूँ, यहाँ पे आके मैं अपने ईबे अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। से के मेरे 3 ईबे अकाउंट चल रहे हैं, मेरे चल रहे हैं 3 अकाउंट, 3 मेरे ईबे अकाउंट चल रहे हैं, तो मैं एक ही ऑटो डीएस की विंडो से सेंट्रली उन तीनों अकाउंट्स को मैनेज कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैंने कोई वीए हायर किया हुआ है, वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया हुआ है और मैं उसको लिमिटेड एक्सेस देना चाहता हूं कि वो मेरी लिस्टिंग्स किया करे, तो मैं यहां से उसका अकाउंट ऐड कर सकता हूं। ये है वेरो और कीवर्ड ब्लैकलिस्ट। अच्छा, ये ब्लैकलिस्ट क्या करती है कि जब आप इस लिस्ट के अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, तो जब आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं और अगर आप वो कीवर्ड उसमें यूज करते हैं या कुछ ऐसे कीवर्ड है लाइक एडिडास है, अब एडिडास जो है वो एक ब्रांड है और आप ब्रांड सेलिंग नहीं कर सकते ईबे पे, ठीक है। जब आप ईबे के ऊपर ब्रांड सेलिंग नहीं कर सकते, ब्रांड सेलिंग से बता दिया है कि आप एडिडास की रेप्लिका या फेक शर्ट या एडिडास से वो शर्ट आपने जो है वो खुद परचेज की थी और उसको आप एज न्यू करके ब्रांड सेल कर रहे हैं, तो ईबे इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप उसमें एडिडास का वर्ड ऐड कर देंगे तो मिस्टेकनली, या जब आप ऑटोडीएस फाइंडर यूज कर रहे हैं और वो फिर उस प्रोडक्ट को
उस कीवर्ड की प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करेगा, आपको हाईलाइट कर देगा कि इसमें ये ब्लैकलिस्ट कीवर्ड है। हम एक जगह पे इसको और यूज कर रहे होते हैं, हम साइज के अंदर ब्लैकलिस्ट डाल देते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, हम इनको भी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। उसकी मैं आपको फिर कभी डिटेल में वजह बताऊंगा। लाइक अगर आप ऑटो ग्रैबिंग कर रहे हैं या आप ऑटो फाइंडर से कुछ चीज फाइंड कर रहे हैं, आपने एक लिस्ट उठाई, उस लिस्ट के तीन वेरिएंट थे, ठीक है, आपने उसको एज अ सिंगल लिस्ट लगा दिया और आपके माइंड में वेरिएंट है मीडियम, कि मैंने मीडियम सेल करना है, अगर आपने स्मॉल को और लार्ज को ब्लैकलिस्ट में डाला होगा तो वो उस लिस्टिंग में स्मॉल और लार्ज नहीं लिखेगा, ठीक है। इससे आप सेफ हो जाएंगे कि कल को आपको ऑर्डर आ जाता और बायर समझता जी तो लार्ज भी अवेलेबल है और ये अब इनके फरिश्तों को खबर हो चुकी है कि मुझे लार्ज ही चाहिए, तो ये मुझे लार्ज ही भेजेंगे, ठीक है, ऐसा हो जाता है, सही है। लेकिन ये जरा बात की बात है। फिर पासवर्ड अपना चेंज करना हो तो ये यहाँ पर जो है छोटी सी सेटिंग्स है, बेसिक सेटिंग्स है। अच्छा, जो मेन सेटिंग्स है वो आपकी आके आती है मॉनिटर्स के ऊपर। अच्छा, यहां पर मल्टीपल मॉनिटर्स है, एक है प्रोडक्ट मॉनिटर, एक है ऑर्डर मॉनिटर, एक है प्रॉफिटेबिलिटी मॉनिटर और एक है ऑर्डर प्रोसेसर, ठीक है। प्रोडक्ट मॉनिटर जो है वो चेक करेगा कि आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है। ऑर्डर मॉनिटर जो है ये इसकी जो है ऑर्डरिंग की इंफॉर्मेशन लिखेगा, ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन देख रहा होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो उसके बाद इसने ऑटोडीएस ने क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं सेल होने के बाद। ऑर्डर प्रोसेसर जो है वो आपकी प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया कि आप ये परचेज कर सकते हैं कि आप ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटोडीएस से, मैंने भी ये मॉनिटर नहीं लिया हुआ इस अकाउंट में तो ये अभी नॉट वर्किंग कर रहा है, ठीक है, कि आप ऑटोमेटिकली ऑर्डर भी परचेज कर सकते हैं। तो इसमें आप क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं कि क्या होगा, मतलब ऑर्डर कैसे प्लेस होगा, फिर ये कम्युनिकेशन भी खुद से करता है। प्रॉफिटेबिलिटी मॉनिटर जो है ये आपको बता देता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल में जा रही है या वो आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग करनी होती है प्रोडक्ट मॉनिटर। प्रोडक्ट मॉनिटर में एक जनरल सेटिंग्स है, एक स्पेसिफिकली अमेजन से रिलेटेड सेटिंग्स है, फिर वॉलमार्ट है, बैंगूड है, अली एक्सप्रेस है और होम डिपो सेटिंग्स है, ठीक है। आप ये डिफरेंट सोर्स जो है ऑटोडीएस को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इन फाइव सोर्सेस से अपनी प्रोडक्ट जो है वो सोर्स कर सकते हैं और इन हब की जो है वो इंडिविजुअल आपके पास सेटिंग आती है, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले आ जाते हैं अमेजन की सेटिंग के ऊपर, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो प्रॉक्सी सेलिंग है और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम अपनी प्रॉक्सी सेलिंग की लिस्टिंग को करेंगे ऑटोडीएस को यूज करते हुए, और उसके अलावा हम Amazon को जितने भी नए ड्रॉपशिपर हैं उनके लिए मेरे पास रिकमेंडेशन यही है कि वो सबसे पहले अपना ड्रॉपशिपिंग बिजनेस Amazon के थ्रू शुरू करें, क्योंकि Amazon जो है उसमें जो आपको प्रोडक्ट है और उसमें जो आपको सर्विस है वो बड़ी बेहतरीन मिल रही होती है, ठीक है। दो दिन में, तीन दिन में अगर आपके पास प्राइम अकाउंट है तो दो दिन में आपको डिलीवर कर देता है, बायर बहुत खुश होता है, आपने 1 to 5 days मेंशन किए होते हैं, बायर को तीसरे चौथे दिन जाकर डिलीवरी मिल जाती है। बाकी अगर आप अली एक्सप्रेस वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे 20-25 दिन का टाइम होता है, तो वो नए सेलर के लिए इतनी जबरदस्त चीज नहीं है ये, ठीक है। तो आप अमेजन से स्टार्ट करें, फिर आप आगे अपने एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकते हैं, वॉलमार्ट में जा सकते हैं और डिफरेंट इस पे स्टोर जा सकते हैं। अच्छा जी, इन सेटिंग्स को एडिट करने के लिए ये क्लिक एक, इसको हम करते हैं। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहे हैं मेरा ब्रेक इवन क्या है, अमेजन के लिए मेरा ब्रेक इवन क्या है। वो ब्रेक इवन मैंने जस्ट कैलकुलेट किया है कि वो मेरा 19.90 है या से $20 है, तो मैंने जाकर ऑटोडीएस में यहां पर मेंशन कर दिया कि मेरा $20 जो है वो मेरा ब्रेक इवन है, ठीक है। अच्छा, दो किस्म के ब्रेक इवन है, एक है ब्रेक इवन सिंपल और एक है ब्रेक इवन डायनेमिक। डायनेमिक ब्रेक इवन क्या कह रहा है कि कुछ जो प्रोडक्ट तो अमेजन सेल कर रहा है, अमेजन उसके ऊपर टैक्स लाजमी चार्ज करता है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स अमेजन सेल नहीं कर रहा उस पे अमेजन टैक्स चार्ज नहीं कर रहा होता। कभी कोई जो एफपीए सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे जितने भी प्रॉक्सी सेलर हैं वो कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, उनकी लिस्टिंग के ऊपर सेल टैक्स नहीं है, तो हम यहाँ पर डायनेमिक ब्रेक इवन यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि वो जो हमारा 20% अमेजन के लिए होगा, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि ये हमारा 20% बनता है, 10% ईबे का, 2.9% पेपैल का, प्रमोशन परसेंटेज प्लस सेल टैक्स जो ईबे ने अमेजन ने हमसे चार्ज करना है, तो ये 20% बनता है। तो अमेजन के लिए हम 20% यूज करेंगे और जो 6% हमने सेल टैक्स लिखा हुआ था वो 6% हम फिर चार्ज नहीं कर रहे होंगे,
क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है नॉट सोल्ड बाय अमेज़न है, इसलिए हम 14% रख सकते हैं उसको. एक्सक्यूज मी. अच्छा, उसके बाद एडिशनल परसेंटेज, एडिशनल डॉलर, ये आपसे पूछ रहा है, ये विंडो आपसे पूछ रही है कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं. ठीक है, यहां पे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि ये एक प्रोडक्ट है जो मुझे $10 की मिल रही है. ठीक है, मैं अमेजन को कहता हूं, मैं आपके ऑटो डीएस को कहता हूं कि यार मुझे इसके ऊपर कम से कम $1 प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, $1 प्रॉफिट, तो वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम से कम $1 हो, वो मेरी लिस्ट प्राइस को इस तरह से ट्यून करेगा कि मुझे कम से कम इन दी एंड सारे खर्चे निकालने के बाद $1 जरूर मिले. ठीक है, तो ये जो फील्ड है यहां पर आप ये सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी की प्रेफरेंस ये है कि वो कहता है कि यार मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, मैंने ऑटो डीएस की फीस देनी है, मैंने ईबे स्टोर की फीस देनी है, मैंने और मेरे खर्चे हैं, कंप्यूटर के खर्चे हैं, मेरे वीपीएस मैंने लिया हुआ है, तो मुझे कम से कम अगर मैं एक ऑर्डर प्लेस होता है मुझे अमेजन के ऊपर, तो मुझे कम से कम $2 तो मिलने ही चाहिए. ठीक है, बट रिगार्डलेस ऑफ मेरे प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, मुझे कम से कम हर ट्रांजेक्शन से $2 चाहिए. तो वो फिर यहाँ पर जो है वो अपनी फिक्स अमाउंट लिख सकता है कि उसको कितने पैसे चाहिए पर उससे. ठीक है, मैंने लिखा हुआ है $1, ये मेरी प्रेफरेंस है, मेरी मर्जी है, मैं इसको कितना रखता हूँ. मैं कहता हूँ कि जी मुझे कम से कम $1 मिले, ताकि अगर मेरी जो सारी एक्टिविटी मैंने इसके ऊपर परफॉर्म किया, मुझे उसका कुछ तो रिवॉर्ड मिले. उसके बाद है एडिशनल परसेंटेज. अच्छा, अगर कुछ कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार मुझे जितने की भी सेल करें ना, मुझे तो सेल पर 10% ये मुझे प्रॉफिट दे दे. ठीक है, 10% कम से कम मुझे मिलना चाहिए. ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो प्राइस को ऐसे सेट करेगा ऑटो डीएस कि आपको इन दी एंड जो नेट प्रॉफिट है वो 10% जरूर होगा. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि अच्छा $13 की प्रोडक्ट हो तो $60 का होता है, 14 की होगी तो 13. हाँ, मतलब वो क्या करेगा, 1350 सेट कर देगा कि आपको कम से कम $10 का 10% प्रॉफिट जरूर हो. 13.5 पे आपको $1.32 मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको 10% प्रॉफिट जरूर हो रहा है. तो ये आप प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ये परसेंटेज में आ रहा है 10%. ठीक है, अच्छा फिर है क्वांटिटी रेस टू. क्वांटिटी रेस टू का मतलब ये है कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट सोर्स करके ईबे पे लिस्ट करेंगे तो उसकी कितनी क्वांटिटी वहां पे मेंशन करेगा. अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी कोई नया सेलर ईबे के ऊपर आता है, ठीक है, तो उसको लिमिटेड सी लिस्टिंग्स अलाउ होती है, लाइक 10 लिस्टिंग होती है किसी को, 50 लिस्टिंग होती है किसी को, 100 लिस्टिंग होती है, उनकी डिफरेंट एक लिमिट होती है. ठीक है, तो जब कोई मतलब ईबे पे नया आता है तो उसको 10 लिस्टिंग अलाउ होती है, तो वो शख्स जो है वो 1 क्वांटिटी रख के स्टार्ट कर सकता है. इसमें होगा क्या कि उसको 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो अपने अकाउंट पे लिस्ट कर सकेगा, 1 1 1 1 10. अगर वो 10 क्वांटिटी की, जो एक ही प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी रख देगा, तो उसकी सारी की सारी लिमिट एग्जॉस्ट होगी और वो फिर इस मंथ मजीद लिस्टिंग नहीं कर सकता. और अगर उसको मजीद लिस्टिंग करनी है तो उसको जाके ईबे पे कॉल करनी पड़ेगी और उसको बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज बेचना चाहता हूँ, मैं क्यों बेचना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा सेलर क्यों हूँ और मेरी लिमिट्स बढ़नी चाहिए. अगर ईबे उससे कन्विंस हो गया तो वो उसकी लिस्टिंग को इंक्रीज कर देगा. ठीक है, उसके बाद है डायनेमिक पॉलिसी क्रिएशन. अच्छा, ये क्या होता है कि जब हम लोग अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ, मैं एक छोटा सा नोट दे दूं कि कुछ लोगों के लिए ये चीजें काफी नई है, बल्कि तकरीबन मोस्टली के लोगों के लिए नहीं होंगी, लेकिन जिन्होंने मैनुअल लिस्टिंग की हुई है उनको कुछ ना कुछ ये समझ आ रही होगी. जो लोग वो पहला सेशन अटेंड नहीं कर किया हुआ जिन्होंने, उनके लिए थोड़ा सा ही मुझे पता है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी आप इसको ऑब्जॉर्व करें, इसको डाइजेस्ट करें. जब आप उस वीडियो को देख लेंगे और फिर दोबारा इस वीडियो पे आएंगे तो आपको ये चीजें मेक सेंस करना शुरू हो जाएंगी. लेकिन स्टिल किसी को समझ नहीं आती तो फिर मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करें, आप मुझे कॉल करें और मैं आपको इंशाल्लाह हेल्प करूंगा, आपको फिर से इसको समझने में मदद करेंगे और हम इसको सेशन को दोबारा कर सकते हैं. ठीक है, आपका बीसी स्टूडेंट होने का या वीडियो बूटकैंप स्टूडेंट होने का आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि किसी भी शख्स को किसी भी टाइम पर अगर लगता है कि मुझे ये सेशन की दोबारा नीड है तो वो क्या कर सकता है कि वो हमसे सेशन की डिमांड कर सकता है.
ठीक है, वो हमसे सेशन डिमांड कर सकता है कि प्लीज ये जो ऑटोडीएस के ऊपर सेशन है ये एक दफा दोबारा होना चाहिए। जैसे ही उसके ऊपर और 5 लोग 10 लोग आके मीटू करते हैं कि जी मुझे भी ये सेशन जो है वो दोबारा चाहिए, तो हम फिर एक दोबारा सेशन ऑर्गेनाइज करा लेते हैं, ठीक है, तो वो दोबारा हो जाएगा। इसलिए किसी ने परेशान नहीं होना, अगर उसके सर के ऊपर से कुछ चीजें गुजर रही हैं तो जब आप इसको एक्चुअली यूज में लेके आएंगे, एक तरफ आप वीडियो ओपन कर लेंगे, दूसरी तरफ आप इस टूल को यूज कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो आपको ये मिल जाएगा। नबील कह रहे हैं कि उनको वो एक्सेल की शीट चाहिए। नबील बिल्कुल, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो एक्सेल की शीट जो है वो भेज दूंगा। बेसिकली तो जब आप ऑटोडीएस यूज कर रहे हैं तो आपको उसकी एसएच नीड नहीं है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट मैं आपको सेंड कर दूंगा। डायनेमिक पॉलिसी क्रिएशन क्या है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको 3 किस्म की पॉलिसीज मेंशन करनी होती है। मैनुअल लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, आपको वहां पे शिपिंग पॉलिसी मेंशन करनी होती है कि आप कौन सा कोरियर सर्विस यूज करेंगे, आपका हैंडलिंग टाइम कितने डेज है और आपका शिपिंग टाइम कितने डेज है। और ये 3 पॉलिसीज आपको, मतलब एक शिपिंग पॉलिसी आपको देनी होती है, सेकेंडली आपको देना होता है कि आपकी पेमेंट पॉलिसी क्या है, क्या आप पेपैल से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, क्या सिर्फ क्रेडिट कार्ड से रिसीव करना चाहते हैं, क्या जब भी कोई चीज परचेज करे आपसे तो क्या उसको फॉरन ऑर्डर फॉरन पेमेंट करनी है, क्या वो कुछ दिन बाद पेमेंट कर सकता है, इस तरह की आप एक पेमेंट पॉलिसी देते हैं। फिर आप एक रिटर्न पॉलिसी देते हैं कि खरीदने के बाद कितने दिन तक आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 3 पॉलिसी देनी होती है, ठीक है, आपको ये 3 पॉलिसीज देनी होती है। तो आप जो है डायनेमिक पॉलिसी का क्या है कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आप उस वक्त एक पॉलिसी मेंशन कर देते हैं, जब आप डायनेमिक पॉलिसी पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि लाइक आपने हैंडलिंग टाइम रखा हुआ है 3 डेज और शिपिंग टाइम रखा हुआ है 5 डेज, लेकिन कल को प्रोडक्ट ने जो जो प्रोडक्ट आपने सोर्स की थी उसने अपना शिपिंग टाइम बढ़ा दिया, उसने वो 7 डेज से या 5 डेज से उसको 7 डेज या 10 डेज कर दिया, आप लगा के बैठे हुए हैं 5 डेज, उसने कर दिया 10 डेज, तो प्राइस की तरह एक ये भी वेरिएशन आ सकती है, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब आप डायनेमिक पॉलिसी क्रिएशन पे होंगे तो वो क्या करेगा, उस लिस्टिंग के लिए वो उसके जो शिपिंग टाइम है उसको ऑटोमेटिकली रेज करेगा, 10 डेज कर देगा, ठीक है। तो अगर डायनेमिक पॉलिसी क्रिएशन करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। नादिया, नबील, इसके ऑटोडीएस के $1 पर मंथ चार्जेस हैं और उसके बाद जो है वो तकरीबन $8 गालबन जो है वो मंथली चार्ज करता है। हंजला, मैं बिल्कुल एक्सेल फाइल सेंड कर दूंगा और इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, तो आप लोगों के जिनके भी क्वेश्चन हैं वो हम लाइव आपको ले लेंगे माइक पे और फिर हम आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, अभी हम सेशन कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है मिनिमम प्रॉफिट डॉलर पर प्रोडक्ट, फिर ये वही चीज हमसे पूछ रहे हैं कि आप कितना जो है वो मिनिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, और इसमें फर्क क्या है, ठीक है, ये है एडिशनल। एडिशनल क्या है कि कुछ आगे जाके हम सेटिंग्स देखेंगे कि हम कभी ऑटोडीएस को ये भी कह देते हैं कि यार ऑटोडीएस हमारी प्राइस रिड्यूस करता जाए ऑटोमेटिकली, तो ये जो एडिशनल परसेंटेज है ऑटोडीएस जो है वो इसको भी एग्जॉस्ट कर देगा। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट लगाई थी $10 की और आपको वो $1 का प्रॉफिट दे रही थी क्योंकि आपने उसको मेंशन किया हुआ था कि मुझे $1 कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन आपने साथ में ऑटोडीएस को एक ऐसी पॉलिसी दे दी है कि अगर मेरी प्रोडक्ट ना बिक रही हो तो मेरी प्राइस कम करता रहे, तो ऑटोडीएस वो आपकी प्राइस कम करते करते जो एडिशनल $1 है ना जो आपने रखा हुआ है मिनिमम, इसको भी खत्म करके आपको जीरो पे ले जाएगा, आपको ब्रेक इवन पे ले जाएगा, आपको वो सिर्फ 20% के ऊपर ले जाएगा कि आपकी फीसें तो निकल जाएं उस सेल से लेकिन आपको कुछ बचे ना, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट पर प्रोडक्ट अगर आप मेंशन कर देंगे तो वो इसको भी ब्रेक इवन का पार्ट बना देगा और फिर वो इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब मेरी एग्जांपल का मतलब ये है कि अगर हमने कहा कि यार ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट की, साथ में हमने इसको कह दिया यार अगर सेल ना आए तो 50-50 सेंट्स कम करते रहो, ठीक है, उसने कुछ दिनों बाद 50 सेंट्स कम किए, कुछ दिनों बाद फिर 50 सेंट्स कम कर दिए, फिर कुछ दिनों बाद 50 सेंट्स कम कर दिए, ठीक है, यहां तक आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, सही है, अब वो नीचे नहीं जाएगा, अब वो इसको 1150 पे लेकर नहीं जाएगा क्योंकि आपको लॉस शुरू हो जाएगा और आपका ब्रेक इवन भी रिकवर नहीं होगा, उल्टा आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो यहां पर आके उसको प्राइस को वो फिक्स कर देगा, ठीक है। ये है इस सिनेरियो में कि अगर आपने ऑटोडीएस को ये बोला हुआ है कि एडिशनल प्रॉफिट इतना हो और एडिशनल परसेंटेज इतनी हो, वो आपके सारे प्रॉफिट जीरो कर देगा, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट अगर आपने $1 या $2 या $10 रखा हुआ है तो वो आपको कम से कम $10 तो
अर्न करके देगा ही देगा, चाहे सेल ना हो वो प्राइस नहीं रिड्यूस करेगा इससे नीचे, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है राउंड प्राइस टू डॉट 99, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप, अब हम उसको एक परसेंटेजेस दे रहे हैं, सोर्स प्राइस $10 है, उसने परसेंटेजेस अप्लाई की और अपलोड कर दी 12.66, ठीक है। यहां पर प्राइस नजर आ रही है कस्टमर को 12.66, सही है। अब ये जो है 12.66, ये कोई जो विजुअली ना कोई इतनी मजेदार नहीं है, ठीक है। या तो ये 12 हो, या ये 11.99 हो, या ये $11.50 हो, या ये $12 हो, ठीक है। तो ये विजुअली थोड़ी सी, ये प्राइसेस जो है ना विजुअली थोड़ी सी अच्छी है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि $12 की चीज से बेहतर है 11.99 की हो, ठीक है। क्योंकि पहले हम 11 बोलेंगे, दे हम एंड में 12 ही रहे हैं, लेकिन 11.99 ही हम इसको कंसिडर करेंगे। आपने देखा होगा बाटा वगैरह पे कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो वो 299 की रखी हुई होती है 300 के बजाय, तो 300 की जूती वो 300 के ब्रैकेट में नहीं करते, उसको 200, वो 200 की उसमें रखते हैं, 299, 250, ठीक है। तो ये एक छोटा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, तो इसको हम, इसको भी मेंटेन कर सकते हैं कि वो राउंडिंग कर देता है क्लोजेस्ट टू 99, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बनती है 11.30, तो वो कर देगा 11, ठीक है। और अगर उसकी वो बनती है 11.57, तो वो उसको ले जाएगा 11.99 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रेफरेंस है, हम इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग वैलिडेशन में एक हमारे पास ऑप्शन है कि अब आपने एक प्रोडक्ट अमेजन से उठाई और उसको लिस्ट कर दिया, अब अमेजन के पास उसका स्टॉक खत्म हो गया, लेकिन उस लिस्ट के ऊपर एक और सेलर भी है। अब वो सेलर जो है, अगर तो वो प्राइम है, तो अमेजन इस लिस्टिंग को, ऑटो डीएस इस लिस्टिंग को एक्टिव रहने देगा और वो फिर आपको बताता रहेगा कि उस सेलर के पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इस चेक को खत्म कर देते हैं, तो फिर ऑटो डीएस उस लिस्टिंग को तब तक लाइव रखेगा जब तक उस लिस्टिंग में और सेलर्स हैं, रिगार्डलेस के वो प्राइम सेलर्स हैं या नहीं है, या वो अपने घर से या अपने वेयरहाउस से शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्राइम का चेक हम लगाते हैं कि हमें सिर्फ प्राइम सेलर से चाहिए। प्राइम सेलर से हमें क्यों चाहिए? क्योंकि प्राइम सेलर का स्टॉक जो है वो अमेजन के वेयरहाउस में पड़ा होता है और अमेजन उस पर बहुत फास्ट शिपिंग देता है, ठीक है। तो इसलिए हम, ये एक सेफ गार्ड होता है कि हम इसको प्राइम रखते हैं। फिर शिपिंग टाइम, मैक्स शिपिंग टाइम यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि जब भी हमें ऐसी ही प्रोडक्ट सिर्फ बताओ जो विद इन 3 डेज अमेजन शिप कर देगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी शिपिंग पॉलिसी में भी जाके आपने को दिखाया था कि हमने वहां पे शिपिंग एंड हैंडलिंग टाइम रखा होता है। 3 डेज शिपिंग टाइम जो है वो एक बड़ा बड़ा मुनासिब टाइम है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट, मैं जब लिस्टिंग करता था ईबे के ऊपर, मैंने 1 डे रखा हुआ था, जिस दिन मुझे ऑर्डर आता था मैं उसके अगले दिन तक वो प्रोडक्ट शिप करके ट्रैकिंग अपलोड कर देता था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके कस्टमर को एक मैसेज जाता है कि ये प्रोडक्ट आपको इतने दिन के अंदर रिसीव हो जाएगी, ठीक है। कस्टमर इस चीज से इनकरेज होता है। लेकिन जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हम सेफ साइड रहने के लिए हम 3 डेज रख लेते हैं कि कम से कम 3 डेज के अंदर हम अपनी ये प्रोडक्ट शिप कर देंगे, क्योंकि हमें इतना टाइम चाहिए होता है। फिर ये एक ऑटो SKU फिलिंग है, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। अलाउ एड एन आइटम भी हम यूज नहीं करते। अलाउ सप्लायर टेबल, अलाउ सप्लायर टेबल ये बोल रहे हैं कि अमेजन की ऐसी लिस्टिंग जिसके ऊपर और भी सेलर है, उनकी बाकी सेलर्स को भी मॉनिटर करना है या जस्ट एक ही SN को मॉनिटर करना है जो मेन प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज इसको सिग्निफाई करती है कि आपने यूज करना है कि नहीं करना। जब मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं आपको इन, मुझे ये रिमाइंड भी करवाएं, मैं आपको इसका बता दूंगा कि इसका पर्पस क्या है। और उसके अंदर ये एक और ऑप्शन है कि अगर सप्लायर टेबल में जाना है तो प्रेफरेंस क्या होगी, प्राइम होगी या चीपेस्ट होगी, ठीक है। चले इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की, नॉन स्टिक फ्राई पैंस, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास जो है वो नॉन स्टिक फ्राई पैंस ओपन हो गए, ठीक है। डिफरेंट नॉन स्टिक फ्राई पैन की मेरे पास लिस्टिंग्स आ रही हैं।
इस लिस्टिंग के ऊपर दो सेलर्स हैं, ठीक है, इस लिस्टिंग के अंदर दो सेलर्स हैं, मैंने इसका एसएन नंबर जो है वो दे दिया कि ये वाली लिस्ट मैंने ऑल क्लैड का जो ये फ्राइंग पैन था ये मैंने लगा दिया अपने ईबे के ऊपर। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसके ऊपर दो सेलर है, अगर ये इन स्टॉक आ रहा है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो क्या ऑटो डीएस इस लिस्ट को एंड कर दे, या जो इसका सेकंड सेलर है, इसके जो अदर सेलर है इनसे उठा ले, ठीक है। तो हम यहां से ऑप्शन देख लेंगे कि जी अगर अमेजन ने दो सेलर को इस लिस्ट के ऊपर अलाउ किया हुआ है, इसका मतलब वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो क्यों ना अगर मेन सेलर की लिस्ट में से एंड हो जाती है तो क्यों ना हम अदर सेलर्स को भी देख लें कि क्या उसकी प्रोडक्ट भी उठा के भेज दे हमारे सेलर को, या उस वक्त तक ये इसको लिस्ट को एक्टिव रखे। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारी इस अलाउ सप्लायर टेबल से है। अगर तो आप चाहते हैं कि हाँ देखे उनको भी मॉनिटर करे, तो फिर हम इसको चेक कर देते हैं। अच्छा जी, ये लिस्ट ओपन हो गई। अब सेम ये तवा सॉरी फ्राई पैन ये सारे बेच रहे हैं, एक अमेजन खुद बेच रहा है, ठीक है, उसके अलावा ये यूज्ड में भी अमेजन के पास पड़े हुए हैं, फिर एक अमेजन जो है वो ब्रांड न्यू बेच रहा है। यूज्ड में ये वो है जो शायद रिटर्न आए हुए होंगे अमेजन को कभी, ठीक है। अच्छा, फिर अमेजन खुद ब्रांड न्यू भी बेच रहा है, फिर शेफ कॉर्नर्स वाले भी बेच रहे हैं, द किचन क्लिक वाले भी बेच रहे हैं, और ये तीनों प्राइम है। उसके बाद जो है ये नॉन प्राइम मेंबर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर एक लास्ट में भी प्राइम मेंबर है जो बहुत एक्सपेंसिव बेच रहा है। तो जब हम इस को चेक करते हैं, अलाउ सप्लायर टेबल को हम जब चेक कर देते हैं, तो क्या होता है कि अगर मेन सेलर की लिस्ट एंड भी हो गई है तो वो इनमें से किसी को चेक करता है। अब इनमें से किस प्रेफरेंस से लेगा, किन से लेगा, ये सेम प्राइस में बेच रहा है, ये सेम पे बेच रहा है, ये भी सेम पे बेच रहा है, ये भी सेम पे बेच रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं कि चीपेस्ट उठाए या प्राइम वाला उठाए। जब हम उसको प्राइम पे क्लिक करेंगे तो वो उस वाले प्राइम मेंबर को सिलेक्ट करेगा जिसके रिव्यूज एंड रेटिंग्स बहुत अच्छे हैं, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट उठा के देगा। अगर हम इसको यहाँ पे चीपेस्ट मेंशन कर देंगे तो इनमें से जो सबसे चीप है उसको उठा लेगा, और अगर हमने यहाँ पर प्राइम अनचेक किया हुआ होगा तो वो क्या करेगा, वो देखेगा यार प्राइम है या नहीं है, उसको छोड़ देगा, वो कहेगा यार सबसे सस्ता कौन सा है इनमें, ठीक है, वो उससे परचेज कर लेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम प्रेफर ये करते हैं कि हम प्राइम से मैम बाय करते हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी मेन एक सेटिंग होगी। तो ये आपकी अमेजन की सेटिंग होगी। उसके बाद आप वॉलमार्ट की सेटिंग भी कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है, ठीक है, जनरल सेटिंग्स भी सेम है। इनको भी एक बार जरा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। ये मैंने वो डिफॉल्ट ब्रेक इवन लिखा हुआ था, एडिशनल प्रॉफिट मैंने 2% ही लिखा हुआ है, 10% मैंने, मेरी प्रेफरेंस है लोग 20% रखते हैं। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन है खतरनाक सी, एंड अनट्रैक्ड लिस्टिंग। आपने नया स्टोर बनाया, आपके स्टोर पे पहले से ही कोई 25-30 आइटम लिस्टेड थे, आपने नया ऑटो डीएस अकाउंट सब्सक्राइब किया है, और अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये आपकी सारी की सारी लिस्टिंग को एंड कर देगा, पहली वाली सारी लिस्टिंग को जीरो कर देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप बड़ा केयरफुल यूज करें, अगर कोई चाहता है कि उसका स्टोर स्क्रैच से शुरू हो, वो फिर से सारी लिस्टिंग करना चाहता है, तो वो इस ऑप्शन को चेक करें, रिकमेंडेड है इसको ना चेक करें। फिर है नॉन अवेलेबल लिस्टिंग। अब नॉन अवेलेबल लिस्टिंग का मतलब यह है कि अगर आपने सप्लायर टेबल ऑन नहीं किया हुआ था, और जो आपका मेन लिस्टिंग थी जहां से आपने इसको उठा के लिस्ट किया था, अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो अमेजन क्या करे, आपको ये ऑटोडीएस क्या करे, आपको अलर्ट करे कि भाई आपकी वो लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, बताओ क्या करना है, या वो उसको ऑटोमेटिकली जीरो कर दे। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। वेन प्रोडक्ट इज अवेलेबल तो क्या करे, जब ये प्रोडक्ट दोबारा आ जाएगी तो फिर क्या ये आपको अलाउ, आपको बताए कि भाई वो प्रोडक्ट आ गई है आपकी, या ये उसकी ऑटोमेटिकली क्वांटिटी रेज कर दे। अच्छा, क्वांटिटी रेज करे तो कितनी करे, अब मेरे पास बड़ा स्टोर अवेलेबल है, मैं हर प्रोडक्ट की 10-10 क्वांटिटीज लगाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो छोटे स्टोर है जिनके पास 10-15 स्टोर की लिस्टिंग वाले स्टोर है, 100 की लिस्टिंग वाले स्टोर है, उनको मैक्सिमम आइटम्स अपनी वेरिएशन वैरायटी रखने के लिए उनको चाहिए कि वो लिस्टिंग के अंदर हर अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को 2-3-4 मेंशन करे, ताकि वो मैक्सिमम लिस्ट नई लिस्ट क्रिएट कर सके, जब तक वो अपनी इम्प्रूव नहीं करते लिमिट्स को। तो मैंने 10 लिखा हुआ है ताकि मैं ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहता कि अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया है और उसको मेरी वो प्रोडक्ट एक नहीं चाहिए, 5 चाहिए या 4 चाहिए, ठीक है। लाइक मैंने पार्टी स्ट्रॉज कोई रखे हुए अपनी लिस्टिंग, ठीक है, अब उसकी जरा बड़ी पार्टी है, तो अगर तो मैंने एक लिस्ट लगाई हुई है तो वो जितने मेरी एक लिस्टिंग में जितने स्टॉल्स आ रहे हैं, अब सिर्फ वही बाय कर सकता है,
वरना उसको वो और मजीद बाय नहीं मुझसे कर सकता। लेकिन अगर मैं उसको लगा देता हूँ कि वो मेरे पास 10 है, तो वो मुझसे अप टू 10 टाइम वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको क्वांटिटी रखने का मकसद होता है। लेकिन जिनके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनके स्टोर में अभी लिमिट्स कम है वो उसको छोटा रखें। फिर वो डायनामिक क्रिएशन पॉलिसी का मैंने आपको बताया कि वो ऑटोमेटिकली आपकी शिपिंग पॉलिसी को भी एडजस्ट करता रहता है। मिनिमम अलाउ क्वांटिटी इन स्टॉक, अमेजन में कितनी क्वांटिटी हो तो आपको वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं करेगा। मैं इसको रखता हूँ 5, कि कम से कम जब अमेजन में 5 रह जाए तो मेरी लिस्ट को ऑटोमेटिकली 0 कर दे। वो क्यों? कि जितनी देर में मैंने जाके, मुझे तो ऑर्डर आ गया, अब जितनी देर में मैंने जाके ऑर्डर प्लेस करना है, जितनी देर में मैंने जाके ऑर्डर प्लेस करना है, तो ये ना हो कि कोई और ले जाए पहले से ही और मुझे आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊं मैं, और फिर मुझे जो है वो करना पड़े। अच्छा, इरफान कह रहे हैं कि इंटरनेट का इशू आ रहा है शायद मेरे एंड पे, कि वॉइस ड्रॉप हो रही है। मैं इसको क्या करता हूँ कि जी, तो डायनेमिक पॉलिसी का हमने डिस्कस कर लिया, मिनिमम अलाउड क्वांटिटी को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मिनिमम अलाउड क्वांटिटी का क्या पर्पस है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मिनिमम प्रॉफिट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये राउंड 299 भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। तो ये जो है हमारी जनरल सेटिंग्स हो गई और ये अमेज़न की सेटिंग्स हो गई। अच्छा, अब इसको इन एक्शन देख लेते हैं कि ये ऑटो डीएस के ऊपर हमने इतना जो टाइम लगाया है, ये जो हमने सेटिंग्स की है, हमें ये ऑटो डीएस दे क्या रहा है। एक साहब है एफबीए सेलर, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी मेरी प्रोडक्ट जो है, मैं कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा रहा हूं, ये मैंने एक रैंडम प्रोडक्ट उठाई, लेकिन से कि मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं कि ये आपको किसी, हमारे किसी एफबीए सेलर ने एक प्रोडक्ट दी है। कोई एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं। मैं एक सिंपल सी प्रोडक्ट उठाना चाह रहा हूं ताकि मैं क्लियरली एक आइडिया आपको दे सकूं। ये एक लिस्टिंग है, मैं इसको चेक कर लेता हूं अगर ये हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी एग्जांपल में। सॉरी, नेट मुझे लगता है कि वाकई स्लो है, मेरे एंड पे भी शायद थोड़ा सा स्लो है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट जो है सोल्ड बाय बीएनबी है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहा है, ठीक है जी, ठीक हो गया। ये एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे कोई एफबीए सेलर है, उसने ग्रुप में पोस्ट किया कि जी ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है और ये लिस्ट आप अपने पास एज अ प्रॉक्सी सेलर अपने अकाउंट में लगा दें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से इसको जो है एज अ मैनुअल लिस्टिंग इसको कैसे हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ऑटो डीएस को हमने जब यूज करना है तो हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, हम लोग आएंगे अपलोडर में, अपलोडर के टैब को क्लिक करेंगे, और अपलोडर के टैग को क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट करनी है, उस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद उसका जो लिंक है वो लिंक कॉपी करेंगे और वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे प्रोडक्ट आईडी के अंदर। ये है ग्रैब प्रोडक्ट डिटेल का टैब है, और उसके अंदर हमने ये प्रोडक्ट जो है
वो कर दी। उसके बाद हमने उसको बताया कि ये सोर्स हम कहाँ से कर रहे हैं, अमेजन से, ठीक है। ये हमसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसने फिर जो लिस्टिंग जो हमने सेटिंग्स है वो उसके अकॉर्डिंग उठाएगा, ठीक है। अगर हमने अमेजन यूएस की सेटिंग्स की हुई है तो वो अमेजन यूएस की सेटिंग उठा लेगा। अच्छा, अपलोड कहाँ करना चाहते हैं हम? अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं यूके अकाउंट के लिए तो फिर हम उसको मेंशन करेंगे ईबे यूके। अगर हम यूएस अकाउंट के लिए कर रहे हैं तो हम लोग यूएस अकाउंट के लिए करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी टेम्पलेट कौन सी रखना चाहते हैं। टेम्पलेट क्या है कि वो फूल बूटे कुछ ग्राफिक्स कुछ लिस्टिंग के अंदर जो है कुछ डिजाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता, पहले जमानों में ये चीज चलती थी, अब ये इतना रेलिवेंट नहीं रह गया। जितनी सिंपल लिस्टिंग होगी, जितनी हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया हुआ कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, जितने सिंपल होगा उतना अच्छा है, ठीक है। ये जब मैंने सिलेक्ट कर लिया, आपकी आपकी चॉइस, आप इनमें से कोई भी वैलेंटाइन डे की आइटम है, आप वैलेंटाइन डे लगा लें, हेलोवीन है हेलोवीन की लगा लें, आप टेम्पलेट ब्लैक फ्राइडे की लगाना चाहते हैं ब्लैक फ्राइडे की लगा लें। तो ये डिफरेंट टेम्पलेट है, हर बंदे की अपनी चॉइस और टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इस पे करेंगे ग्रैब डिटेल्स। ले जी, ऑटोडीएस ने क्या किया है कि जो तमाम इंफॉर्मेशन है उस लिस्टिंग की, उसका मैन्युफैक्चरर कौन था, ट्रू स्ट्रॉ, ठीक है, ट्रू स्ट्रॉ ये इसका मैन्युफैक्चरर था, उसने उसकी मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन निकाल दी। मॉडल नंबर उसने मेंशन नहीं किया हुआ, उसने मॉडल नंबर निकाल लिया। फिर ब्रांड है, कलर मल्टी कलर है, उसने यहाँ पे शायद लिस्टिंग में मल्टी कलर मेंशन नहीं किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे से नहीं उठाया, लेकिन हम अप्लाई कर यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी ये मल्टी कलर प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, उसका यूपीसी कोड, यूपीसी कोड इसने इनकी लिस्टिंग का उठा लिया है। प्रेफरेबली आपके पास अपना यूपीसी कोड होना चाहिए ईबे के लिए, ठीक है। आपने बाय कर सकते हैं, आप अपना वो यूपीसी कोड अगर आपने बाय किया हुआ तो वो आप यूज कर ले, ठीक है। इधर कर दे डू नॉट अप्लाई। अच्छा, EAN नंबर, ISBN नंबर, शिपिंग वेट, टाइप, ओकेजन, जो जो इंफॉर्मेशन उसमें लिस्टिंग में मेंशन थी वो उसने सारी की सारी यहाँ पर ग्रैब कर ली है। उसने इसके अलावा जो इसकी सारी पिक्चर्स हैं वो भी ग्रैब कर ली है। जो पिक्चर मेन पिक्चर है वो ब्लू में है, अगर आप मेन पिक्चर इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं पिक्चर या कोई लेस करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ तो ये मेरी मेन पिक्चर, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मेन पिक्चर हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद क्योंकि हमने कोई टेम्पलेट यूज नहीं की थी इसलिए उसने बड़ी उसकी सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन उठा ली। फिर उसने हमें दिखा दिया कि ये मोबाइल पे किस तरह नजर आएगी। यहां से जैसे मैंने अपनी वेयर हाउस का एड्रेस मेंशन किया हुआ था तो उसने ऑटो पिक कर लिया। ये वो मैं बिजनेस पॉलिसीज की बात कर रहा था, ठीक है। ये वो पॉलिसीज है जो मुझे सिलेक्ट करनी है। ये पॉलिसीज मुझे क्या बता रही है कि मेरी इस प्रोडक्ट को पेमेंट पॉलिसी क्या होगी, मेरी इस प्रोडक्ट की शिपिंग पॉलिसी क्या होगी और मेरी इस प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी क्या होगी। ये पॉलिसीज जो है वो हमें अपनी बिजनेस पॉलिसीज के अंदर, अपना जो स्टोर है हमारा उसमें हमें अपनी बिजनेस पॉलिसीज के अंदर आके क्रिएट करनी होती है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को रेफर करेंगे तो मैंने उसमें ये पॉलिसीज क्रिएट करके दिखाई हुई है, ठीक है। जो लोग ने सेशन अटेंड नहीं किया हुआ, मैं क्विकली एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि बेसिकली ये पॉलिसीज में क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाई वो बना लें क्योंकि बड़ा यूजफुल ये टूल है। मैंने फॉर एग्जाम्पल बनाई कि जी मेरी ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है फॉर Amazon, मैंने एक नाम लिख दिया, किसी को नजर नहीं आएगा ये मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इसकी करेक्टरिस्टिक्स कि ये फ्री शिपिंग है विद 3 days हैंडलिंग टाइम एंड 5 days डिलीवरी सर्विस, ठीक है। ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें मेंशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट अपने प्राइम बायर अकाउंट से जाकर परचेज करूंगा और अपने कस्टमर को शिप कर रहा हूँ तो मुझे Amazon जो है मेरी स्टेट वाइज चार्ज नहीं करेगा शिपिंग, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं तमाम अपने पूरे USA में एक ही रेट सबको दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर, सर्विस मैं कर दूंगा स्टैंडर्ड शिपिंग। स्टैंडर्ड शिपिंग में मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि कभी ईबे यूज करता, Amazon यूज करता है FedEx को, कभी यूज करता है USPS को, कभी करता है UPS को,
कभी ये कर देता है, एमेजल का अपना एक लॉजिस्टिक सर्विसेज है उनको यूज कर लेता है। तो इससे मैं स्टैंडर्ड रखूंगा कि जी स्टैंडर्ड टाइप की मैं सर्विस दे रहा हूँ, 1 to 5 days में डिलीवर हो जाएगा और फ्री शिपिंग, मैं आपसे कोई शिपिंग चार्ज नहीं कर रहा। हैंडलिंग टाइम में आपको 3 business days दे रहा हूँ। देखो हैंडलिंग टाइम में आप लोग यहाँ पे देखें कि उसने टिपिकल जो है वो 3 days तक लिखा हुआ है, उसके बाद कह रहा है एक्सेसिव, ये दिन जो है ये नॉर्मल नॉर्म नहीं है, ये बिजनेस का नॉर्म नहीं है, यहाँ तक कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं तो आप इस चीज को मद्देनजर रखें कि आपकी सेल्स इससे हर्ट हो सकती है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट की नेचर ऐसी होती है कि आप नहीं कम दे सकते। लाइक आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है जिसमें आप कोई पेन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपने साथ में लिखा हुआ है कि जो शख्स भी मुझसे परचेज करेगा वो अपना नाम इसके ऊपर इंग्रेव करवा सकता है, तो उस इंग्रेविंग को करवाने के लिए आपको टाइम चाहिए, ठीक है? तो आप 5 days आपने रखा गया, यार कम से कम 5 days में होगी। अब कस्टमर को भी पता है कि यार मैंने कस्टमाइज ऑर्डर लिया है तो मुझे टाइम लगेगा, तो फिर कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल किसी भी प्रोडक्ट के लिए 5 days पहले वो आपके शिप करने का इंतजार करेगा, फिर 5 days वो आपके डिलीवर करने का इंतजार करेगा, तो 10 दिन तो इतना कस्टमर प्रेफरेबली वेट नहीं करता, वो चाइना से जाके परचेज कर लेगा इतने दिन में आपने देनी है तो, ठीक है? तो 3 days आर मोर देन इनफ, ठीक है? उसके बाद नो इंटरनेशनल शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग में हम इस चक्कर में नहीं पड़ते कि हम इंटरनेशनली इसको शिपिंग करने में जाएं। फिर हमें कुछ एक्सक्लूजन करने होते हैं। हम अलास्का हवाई में शिपिंग नहीं करते हैं। अलास्का हवाई में हम शिपिंग इसलिए नहीं करते कि ये एक्सपेंसिव पड़ जाती है, अमेजन आपको इसका एडिशनल चार्ज मांगता है। इसी तरह से यूएस और इसी तरह से एपीओ एफपीओ, ठीक है? ये बेसिकली क्या है, वो जगहें हैं जहां पर इनके आर्मी पर्सनल जो है यूएस के स्टेशन होते हैं, ये गुंटामो बे जो है ये वो भी इसी में आता है, उनमें जहां पे भी आर्मी पर्सनल स्टेशन होते हैं तो ये वो लोकेशन है। अब होता क्या है कि वो बैठे हुए प्रू में है या वो किसी आइलैंड के ऊपर बैठे हुए छोटे से, और आपने सिर्फ कहा है कि मैं यूएसए में शिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो पता चला जी ये वहां से किसी आइलैंड से ऑर्डर आ गया, अब आपको इंटरनेशनल शिपिंग पे करनी पड़ी है, आपको एक्सेसिव शिपिंग पे करनी पड़ी है, इसलिए हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके अलावा हम इसको पीओ बॉक्स को भी अनचेक कर देते हैं, क्योंकि पीओ बॉक्स थोड़ा सा रिस्की होता है, कस्टमर की कंप्लेंट इसमें ज्यादा होती है, प्रोडक्ट स्टोलन हो जाती है, कुछ सर्विसेज पीओ बॉक्स के लिए एडिशनल चार्ज करती हैं, कुछ सर्विसेज पीओ बॉक्स पर डिलीवर नहीं करती हैं, ठीक है? इसलिए हम ये सारी जो है वो एक्सक्लूजन लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं तो हमारी एक शिपिंग पॉलिसी बन जाएगी। जब हमने ये शिपिंग पॉलिसी बनाई होगी तो हम यहाँ पर वो अपनी शिपिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने प्रॉक्सी सेलिंग के लिए शिपिंग पॉलिसी बनाई हुई है, तो ये मेरी जो है वो मैंने सिलेक्ट कर ली। आप लोगों ने जो बनाई होगी वो भी आप सिलेक्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट आईडी है, ऐड टू प्रोडक्ट टू मॉनिटर, मॉनिटर में ऐड करने का मकसद ये है कि फिर ऑटो डीएसएस के ऊपर मॉनिटरिंग शुरू कर देगा। प्राइवेट लिस्टिंग में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उस वो जब सेल होगी तो किसने परचेज किया उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं होगी प्राइवेट लिस्टिंग। अलाउ मार्केट प्लेस क्या होता है, वो जो हमने अभी देखा था कि अमेजन जो अमेजन से हट के भी इस प्रोडक्ट को सोर्स किया जा सकता है, उसमें हम ये अलाउ मार्केट प्लेस। लेकिन इसको मैं फिर फर्दर इसके आपको डिटेल में दोबारा भी, दो क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जिनको मुझे आपको डिटेल में दोबारा ब्रीफ करना है कि इसके इम्पैक्ट क्या है, ठीक है? अच्छा, हम ये सब करने के बाद हम अपना क्या करते हैं, हम एक चीज छोटी सी चेक करते हैं, हम लोग हमारी लिस्टिंग रेडी है, हमने जस्ट वन क्लिक किया है और उसके बाद हमने पॉलिसीज सिलेक्ट की है। ये भी डिफॉल्ट पॉलिसीज होंगी, शिपिंग आपकी जो है वो सारी ड्रॉप शिपिंग के लिए तकरीबन एक जैसी पॉलिसीज होंगी। अमेजन के लिए हो सकता है कि अली एक्सप्रेस के लिए आप एक पॉलिसी रखेंगे, क्योंकि उसमें आपको पता है एक्सटेंडेड डेज ऑफ डिलीवरी चाहिए। और उसके अलावा जो है आप बैंक गुड के लिए आप कुछ और रखेंगे, ठीक है? तो आप अपनी शिपिंग पॉलिसीज़ इसमें डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एडिट वेरिएशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि वो क्वांटिटी क्या लगाए। अब क्योंकि हमने मेंशन किया हुआ था कि क्वांटिटी रेज टू वन, तो जब मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा तो मेरे स्टोर पे नजर आएगा कि मेरे पास सिर्फ ये वन प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसकी सेल प्राइस जो है उसने रखी है, अब जिनके नए स्टोर है वो 1 रखें, मेरा पुराना स्टोर है मैं इसको 10 रख सकता हूँ, ठीक है? और उसके बाद इसकी सेल प्राइस उसने डिटरमिन की है 12.65, ठीक है? इसको हम जरा चेक करते हैं।
हमारी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है 12.65 के ऊपर। अच्छा जी, हमें ये मिल कितने की रही थी? सोर्स प्राइस है 8.49, ये हमें 8.49 की मिलेगी अमेजन से, हम इसको परचेज करने जब जाएंगे। 8.49, सही जी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ब्रेक इवन उससे हमारा 19 जो था हमारा ब्रेक इवन था वो उठाया, ये हमें कह रहा है कि हमें मिलेगा 1.76 डॉलर इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां से आप इसको क्विक एडिट कर सकते हैं, अगर आप चाहते नहीं यार अभी शुरू शुरू में ये ज्यादा है, मैं ऐसा करता हूँ इसको कर देता हूँ 12 पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें एडिट करना चाह रहे हैं। जब जब मैं ये कर लूंगा तो अब मेरी ये लिस्टिंग रेडी है, मैंने जस्ट अपलोड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और मेरी ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे ईबे पेज के ऊपर एज इट इज पेस्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि बड़ी आसान, जिन लोगों ने वो मैनुअल लिस्टिंग देखी है उनको अंदाजा हुआ होगा कि उनका कितना प्रोसेस जो है वो इजी हो गया। ठीक है, ये आपने अपनी एक्टिव लिस्टिंग में आप आए और आपने देखा कि वो प्रोडक्ट आपको यहां पर नजर आना शुरू हो जाएगी। ये जनाब, अच्छा यहां पर वो आपको लिस्ट आना शुरू हो जाएगी नजर। ये आगे जनाब, ठीक है जी, ये उसने $12 हमने उसको मेंशन किया था, जो मैंने शिपिंग पॉलिसी दी थी उसके अकॉर्डिंगली उसने शिपिंग पॉलिसी सेट कर दी, और ये मेरी लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन जो मैंने वहां पे लिखी हुई थी। तो ये जस्ट कुछ क्लिक्स के ऊपर मेरी एक लिस्टिंग जो है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बहुत स्लो गया हूँ, आप बड़ी फास्टली इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसने सारी तस्वीरें उठा ली। अब जब आप मैनुअल लिस्टिंग आप लोगों ने की होगी तो देखा होगा आपने, पहले हमें वहां पे जाके डाउनलोड करने पड़ती है सारी डिटेल्स, फिर हमें जो है वो जाके कॉपी करते हैं, एडिट करते हैं, फिर हम यहाँ पर आके उनकी वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट फ्यू क्लिक्स में आपकी ये लिस्टिंग जो है वो डन हो गई। ठीक हो गया जी, तो ये प्रोसेस है ऑटो डीएस का, बेसिक सेटिंग सिखाई है। अच्छा, फिर इसमें कुछ ट्वीक्स आ जाते हैं, इसमें कुछ हम और क्या कहते हैं इसके साथ खेल सकते हैं ऑटो डीएस के साथ, वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ऑर्डर मॉनिटर में आके कुछ हम हमारे पास कुछ ऑप्शन ये होते हैं कि हम अपनी लिस्टिंग को जो मैंने आपसे जिक्र किया था शुरू में पावर पॉइंट स्लाइड में कि मैंने एक सेशन अटेंड किया है जो ऑटो डीएस का क्रिएटर है इसका, ठीक है, इसमें 7 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल ईबे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में उसने एक टिप ये दी थी कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट 30 डेज तक सेल नहीं होती तो आप उसको डीलिस्ट कर दें, शायद वो प्रोडक्ट जो है वो आपके अकाउंट के लिए नहीं है या आप की प्राइसिंग ऐसी है या किसी भी वजह से वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही तो आप उसको डीलिस्ट कर दें। ठीक है, आप ऐसी लिस्टिंग को अगर आप अपने अकाउंट में रखे रखेंगे तो हर महीने उसके ऊपर लिस्टिंग फी चार्ज हो रही होगी, तो उससे बेहतर है कि आप उसको डीलिस्ट कर दें। प्लस उसने एक टिप ये दी हुई थी उसमें कि अगर आपकी 4-5 डेज तक कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होती तो आप उसकी कुछ प्राइस को रिड्यूस करें, प्राइस को चेंज करके देखें। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हम ऑटो डीएस में ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि वो हमारी प्राइस को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देगा। ठीक है, फिर उसने एक ये टिप दी हुई थी कि आपकी प्राइस जो है वो अगर आपने कंपटीशन में, आपका नया स्टोर है, आपने कंपटीशन में स्टार्ट किया कि बिल्कुल जीरो प्रॉफिट मार्जिन से आपने स्टार्ट किया काम और आप चाहते हैं कि जब ये प्रोडक्ट पे सेल मिलना मुझे शुरू हो तो ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये सारे काम हम यहाँ पर ऑर्डर मॉनिटर में आके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के सेशन को मैं बेसिक सेशन था,
इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, इसके अंदर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वो हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जब आप इन मेन सेटिंग्स के अंदर आप जब इससे खेलेंगे और आप अपनी लिस्टिंग करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्यूरीज होंगी, बहुत सारी उनको जो है वो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको क्वेश्चंस होंगे। तो मेरा अब प्रोग्राम यह है कि हम इसके अंदर एक क्विकली 3-4 दिन बाद या नेक्स्ट वीक जो है वो हम एक और सेशन कर देंगे। अच्छा, मैं एक्टिव लिस्टिंग पे मैंने क्लिक किया है तो ये मेरी प्रोडक्ट मुझे दिखा रहा है कि जो मैंने ऑटो डीएस के थ्रू ये लिस्टिंग्स की हैं, और ये लिस्टिंग जो है यहाँ पर उसकी मेन हमें मुझे मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये लिस्टिंग्स जो है वो आपकी क्या करता है, मॉनिटर हमें शो करता है कि ये चीजें वो हमारी मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, ये लिस्टिंग मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्विकली एडिट कर सकते हैं हम इस लिस्ट को। ठीक है, एडिट क्या क्या कर सकते हैं उसने यहाँ पर हमें शो कर दिया, प्लस सोर्स आईडी, ये प्रोडक्ट हमने कहाँ से लिए, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें वो लिस्टिंग के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो हमें परचेज करने में आसानी हो जाएगी इस लिस्ट को। ठीक है, उसके अलावा फिर हमें ये शो करता है इसकी क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, सोर्स प्राइस कितनी है। ये ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पर इंक्रीज होगी तो ये ऑटोमेटिकली इसको अपडेट भी करता रहेगा, कितने सेल हुए, इस पे वाउचर कितने हैं, इसके ऊपर जो है व्यूज कितने आए हैं, प्रॉफिट हमें इसका एस्टिमेटेड कितना होगा, कब अपलोड की, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक सेशन था हमारा छोटा सा आज। ठीक है, आपको शायद कुछ लोगों को पता होगा कि अभी माशाल्लाह लमिया ने मुझे रिसेंटली बेटा भी दिया तो मुझे रश करना है फॉरन हॉस्पिटल। ठीक है, और थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी लेकिन मैंने कहा कि एक हफ्ते से मैंने अनाउंस किया हुआ है सेशन और अगर मैं नहीं लूंगा तो इसके लिए अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं और वो ड्रॉप शिपिंग में आना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने एक सेशन एक ब्रीफ सेशन किया है। मेरे लिहाज से थोड़ा सा ब्रीफ सेशन है, इसमें अभी बहुत सारी डिटेल्स हैं हमें जो उसको फर्दर हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और सेशन मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम इसके ऊपर इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे और इनके जो आपके इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है प्रोसेस से रिलेटेड, मैंने 2-3 बड़े टेक्निकल क्वेश्चन देखे हैं जो लोगों ने यहाँ पे पूछे हुए, तो मैं अभी कहूंगा कि उनको जस्ट होल्ड कर लें कि हम जो आज का सेशन है उसको बेसिक सेशन करने रखना चाहते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन जो करेंगे उसमें हम ये करेंगे कि उसमें हम इन डिटेल जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे और फिर उसमें जो लोगों को इश्यूज आ रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूँ कुछ हैंड रेज हुए हैं, कुछ लोग लाइव आना चाहते हैं तो फिर मैं उनको लाइव ले लेता हूँ और उनसे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसको जो है हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा जाना है अभी। ठीक है, तो अभी जिन लोगों के हैंड रेज हुए हैं जो आना चाहते हैं, काशिफ इंसारी साहब का हैंड रेज है, इनको मैं इनका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। काशिफ साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आपने जो बताया अभी ये सारा बेसिकली सिर्फ लिस्टिंग करने के लिए, राइट? जी जी, और उसके बाद और वो जो आप AMZL का चक्कर है उसका वो कैसे होता है, वो ऑप्शन है अवेलेबल जो हम ट्रैकिंग में डालते हैं? ऑटो डीएस, अगर ऑटो ऑर्डरिंग हमने ऑन की हुई है, ठीक है, तो वो हमारे इस AMZL के इशू को खुद ही रिजॉल्व करता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा है, आपकी ट्रैकिंग खुद ही अपलोड कर रहा है ऑटो डीएस, तो वो आपकी एमएसएल की ट्रैकिंग को कन्वर्ट करके और आपके लिए ब्लू केयर की ट्रैकिंग आईडी लेके अपलोड करता है। लेकिन अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है, ऑटो ऑर्डरिंग मैं भी मैनुअली कर रहा हूँ, ऑटो ऑर्डरिंग अगर आपको 20 ऑर्डर पर डे नहीं आ रहे तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसमें जाके सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी नए सेलर के लिए। तो बेसिक सेशन था नए सेलर्स के लिए था जिन्होंने अभी ऑटो डीएस सब्सक्राइब किया है, जिनको 3-4 ऑर्डर मुश्किल से एक दिन में आ रहे होंगे तो उनके लिए ऑटो ऑर्डरिंग में जाने की जरूरत नहीं है, वो मैनुअली परचेज करेंगे। ठीक है, तो जब वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं परचेजेस को तो वो फिर एमएसएल को एज अ जो मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था वो फिर उसको उसी वे में मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, एक बात जो इसकी फीस आपने बताई थी $1 पहले महीने के लिए, उसके बाद $8 पर मंथ, राइट? जी जी, अच्छा, इसमें क्या है कि आप जितने ऑप्शन लेंगे आपकी उतनी फी होगी। लाइक कुछ लोग क्रेडिट लेते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ऑटो डीएस के ऑटो फाइंडर को यूज करना है,
तो वो जितनी लिस्टिंग के लिए वो क्रेडिट लेंगे उसका पैकेज मंथली उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो वहां पर ना क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार्स होती हैं कि आप अपने कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपकी मंथली क्या लिमिट्स होंगी, क्या क्या आपको ऑप्शंस चाहिए। तो हर बंदा अपने उसके लिमिट के हिसाब से या वो क्या इन्वेस्ट करना चाह रहा है। जो एडवांस यूजर है वो डेफिनेटली 100 लिस्टिंग को मॉनिटर नहीं कर रहे होंगे, उनको 500 लिस्टिंग या 1000 लिस्टिंग चाहिए होंगी। तो बेसिक के क्या है कि $1 का पैकेज है, और उसके बाद और उसी को अगर हम अपग्रेड करें नेक्स्ट मंथ तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में $8 का बनता है। अच्छा, मेरी जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली पुल हो जाएंगी या वो मुझे दोबारा बंद करके दोबारा खोलनी होंगी? ऑटोमेटिकली पुल नहीं होंगी। मैं ये यहाँ पर थोड़ा सा शो कर देता हूँ कि ये अनट्रैक लिस्टिंग में वो आ जाएंगी, ठीक है। अनट्रैक लिस्टिंग का ये टाइटल है, टैब है, इसके अंदर आ जाएंगी। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको एंड कर सकते हैं या आप उस प्रोडक्ट का एसएन नंबर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। उस प्रोडक्ट का हाँ एसएन नंबर पेस्ट कर दें, और एसएन नंबर पेस्ट करने के बाद जब सारी प्रोडक्ट के एसएन नंबर पेस्ट कर देगा तो अपडेट एसेंस कर दें, ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट जो है वो मॉनिटर के अंदर आ जाएंगी, ग्रेट, ठीक थैंक है। चलिए जी, थैंक यू। अच्छा जी, ये थे काशिफ साहब थे। अच्छा, अभी मोहित के हैंड रेज है। मोहित, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी। जी सलाम मोहित वालेकुम साहब, जी। वालेकुम असलम, आप पहले तो आपको बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक। अच्छा, ये चीज़ें मेरे लिए तो खैर काफ़ी एडवांस हैं। मुझे एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉक्सी सेलिंग को सेटअप करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए थी हमें। उन तीन चीज़ों को मैं किस तरह यूज़ करूँ कि मेरी जो डिपेंडेंसी मेरे मामू पे है वो बिल्कुल लीस्ट हो जाए? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब उसके इसमें लिए मुझे पेपॉल चाहिए, अमेजॉन प्राइम बाय अकाउंट चाहिए, मुझे ईबे का अकाउंट चाहिए। अब तीनों तीनों चीजें इस तरह हो जाएं कि मेरी मामू पे डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाए और मेरा अकाउंट भी सेफ रहे और मैं इसको कर सकूं। ठीक है, आपके लिए ये है कि आप अमेज़न प्राइम बायर अकाउंट खुद बनाएं, पाकिस्तान से बनाएं, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए बनाएं। क्या ये ठीक हो पॉसिबल है गया, आपके लिए? बिल्कुल ठीक है, जब आप पॉसिबल अपना है। अमेज़न प्राइम बायर अकाउंट बनाएंगे तो फिर आप मामू की डिपेंडेंसी खत्म होगी। आप क्या करेंगे, अपने पेपैल के अंदर जो पैसे हैं या किसी भाई दोस्त से आप जो है पेपैल के थ्रू गिफ्ट कार्ड परचेज करेंगे और अपने ठीक है अमेज़न जी, प्राइम बायर अकाउंट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जो ठीक हो गया। आपने फुलफिलमेंट करनी है या जो ऑर्डर फिल करने हैं उनके लिए आप जो है वो अपना अमेज़न प्राइम बायर अकाउंट पाकिस्तान का यूज कर लेंगे। ठीक हो गया, मामू के ऊपर आप ईबे अकाउंट भी पाकिस्तान बेस्ड बनाएंगे ताकि आपको वो पाकिस्तान से बैठ के आप उसको एक्सेस कर सके। फिर मामू की आपको बेसिक फर्स्ट टाइम आपको दो दफा एक्सेस चाहिए होगी कि मामू आपके साथ बैठे, और उसके बाद मंथली सिर्फ एक दफा शायद आपको मामू को तंग करना होगा, वो तब जब आप अपने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं। अच्छा दोबारा मुझे जरा इसकी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जी प्राइम जी बायर अकाउंट मैंने यहाँ से बना लिया, ठीक हो गया। जी ईबे अकाउंट जो है वो भी मैं पाकिस्तानी आईपी से बनाऊंगा, जी ओके वो भी बन गया। अब रह गया पेपॉल। पेपॉल जो है वो मैं अपने मामू का यूज कर रहा हूँ, राइट ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि इनिशियली आपको दो सिटिंग्स करनी है उनके साथ, ठीक है। जी। पहली सिटिंग में क्या होगा कि मामू को आप कहेंगे कि भाई मामू ये मेरा ईबे का लॉगिन है, ये पासवर्ड है, काइंडली ठीक आप हो गया, ये जो है वो लिंक कर दें पेपल, ठीक है। जब ओके उन्होंने एक दफा लिंक कर दिया उसके बाद जब वो एक दफा सस्पेंड हुआ तो अगर आपको पेपैल की वेरिफिकेशन वगैरह की जरूरत पड़ी उसमें, ठीक है, कभी अकाउंट सस्पेंड होते हैं तो वो कहते हैं कि जी पेपैल वेरीफाई नहीं है, पेपैल वेरीफाई कराएं, तो वो सेकंड सिटिंग आपको मामू के साथ चाहिए होगी। प्लस ओके आपने उतने में ऑटो डीएस परचेज करवा लिया, ऑटो डीएस लिंक करवा लिया, आपने अमेज़न यूएस का वो जो है ब्लू केयर सर्विस है उसको एक दफा पेपैल से लिंक करवा लिया, तो ये आपको दो सेटिंग में आपके काम हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको मंथली जो विड्रॉल है उसमें आपको मामू की जरूरत पड़ सकती है, वो भी जूम का एक तरीका है जिससे ऑटोमेट किया जा सकता है उसको, लेकिन फिर ये है कि मामू का अगर आपके ऊपर ट्रस्ट है तो मामू आपको तभी वो अलाउ करेंगे कि हम जूम ठीक हो गया, एप्लीकेशन के थ्रू पेपल के थ्रू वो पैसे भी विड्रॉ कर लेते हैं, मामू की डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक हो लेकिन गया। वो उस अच्छा सिनेरियो में फिजिबल होगा कि अगर मामू ने एक बैंक अकाउंट आपके लिए डेडिकेटेड रखा हुआ है तो फिर आप फ्रीली उनके अकाउंट में से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो फिर आप जूम भी यूज कर सकते हैं और मामू की डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म है।
चलें ये तो मामू को तो हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा दूसरा मुझे बताएं कि इस सिनेरियो में जो टैक्सेशन है वो मामू पे लागू होगी कि वो मेरा, क्योंकि ईबे अकाउंट मेरा है तो वो मुझे पे करनी है, ये मुझे बता दें इसमें टैक्सेशन कितनी सख्त इन्वॉल्व है। एंड इस अमेजोन की तो हमें समझ आ चुकी है, अमेजोन में तो प्रॉब्लम्स हैं और वो मामू ने देना है, लेकिन यहाँ पे किस तरह होगा? टैक्स हमेशा जहां पे पैसे लैंड कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर होता है। पेपैल ठीक हो मामू गया, का है और मामू के एसएसएन और मामू के बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, उसके पैसे मामू के अकाउंट में लैंड होने और मामू उसके जवाब दे। ठीक हो गया, फाइन। और अमेज़न की तरह ईबे भी हमें प्रॉपर लेजर देगा, या जो भी सेल्स आ रही हैं वो हमें दिखाएगा, दे रहा होगा जो हमने अकाउंटेंट को देनी है। उसमें हमें खुद अकाउंट्स मैनेज करने पड़ते हैं, मतलब 100 लिस्टिंग हैं, 500 लिस्टिंग्स हैं, उनके उनके अकाउंट्स हमें खुद मैनेज करने होंगे, या हमें ईबे जो है उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है? ईबे आपको एक इनवॉइस इशू कर देता है जिसमें वो सारी फीसेस जो उसने आपसे ली होती है ना उसकी डिटेल आ रही होती है। अमेज़न से आप एक रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको किस हिसाब से कितने पैसे आए उनका डिटेल क्या थी वो आपको वहां से आ जाती है। तो ये दो चीजें मिलती है, लेकिन समहाउ आपको कुछ खुद मैनेज करने होते हैं। ठीक हो गया, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ना अच्छा ये एक उसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि ऑटो डीएस को पाकिस्तान से लॉगिन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा तौसीफ गौरी का क्वेश्चन है। तौसीफ गौरी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। तौसीफ गौरी साहब आपके माइक में कुछ इशू था, बहुत डिस्टॉर्शन आ रही थी। इमाद कमर साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी हेलो, अस्सलाम जैन, वालेकुम अस्सलाम, खैर बहुत मुबारक हो जी आपको। मुबारक। इट्स अ कोइंसिडेंस के जी आपने अभी हॉस्पिटल जाना है, मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ, मेरे यहाँ बेटी हुई है। बिल्कुल माशाल्लाह, चले अल्लाह मियां सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपको खुशियां दिखाए उसकी। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक्चुअली एक टूल यूज कर रहा हूँ जो कि डीएसएम के नाम से है, तो ऑटो डीएसएम। हाँ जी डीएसएम और ये वाला टूल दोनों सिमिलर है, मुझे आप ये बताएंगे कि हम इस वाले टूल में प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, ऑटो डीएस फाइंडर जो है उससे प्रोडक्ट सर्च हो जाती है। कोई एक्स्ट्रा उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे इस फंक्शनैलिटी को लेने के लिए? जो जो ड्रॉप शिपिंग गुरुज हैं वो ये कहते हैं कि डीएसएम टूल इतना रिलायबल टूल नहीं है, वो इसको अच्छा डिस्करेज करते हैं, उसमें कह रहे हैं बग्स ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए सही हमने ऑटो डीएस को इंतखाब किया। सही सही। तो बाकी चीजें तो मुझे क्लियर है, फिर इंशाल्लाह आपसे कोऑर्डिनेशन में रहेंगे जैसे ही इसको मैं मजीद लेके आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। इंशाल्लाह थैंक देखिए, यू। मैं बार बार इस चीज को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि हम इस प्लेटफॉर्म को एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, इसीलिए एक डेडिकेटेड एक सपोर्ट जो मेरी सूरत में आप लोग को मिली है, प्लीज यूटिलाइज कीजिए उसको। प्रॉक्सी सेलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर ध्यान बिल्कुल दीजिए, ठीक है, इसके ऊपर काम करें ताकि आप इससे अर्न भी कर सके, ठीक है। तो बिल्कुल, इससे अगर सेल्स नहीं आ रही तो डिसअपॉइंट ना हो, मेहनत करें, इंशाल्लाह आएंगी। थैंक यू, बिल्कुल जी, थैंक ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज। जी तौसीफ गौरी साहब मैं आपको फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। ऑटो डीएस पाकिस्तान से परचेज तब कर सकते हैं हम अगर हमारे पास पेपैल पाकिस्तान से एक्सेस हो रहा है, लेकिन पेपैल पाकिस्तान से एक्सेस नहीं हो रहा, इसलिए हमें एक दफा ऑटो डीएस के लिए क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अगर क्रेडिट कार्ड, लेकिन पेपैल के थ्रू कर रहे हैं तो आपको उस पर जाना पड़ेगा वीपीएस में या टीमवीवर पे। तो सी साहब मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी तो सर, सी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली मैं ये ट्रेनिंग तो ले ही रहा हूँ, प्लस मैं अमेजोन एफबीए को भी ज़्यादा सीरियसली देख रहा हूँ। बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि मैं बेसिकली मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं ठीक है मैन्युफैक्चरिंग देख रहा होता हूँ। हैंड पर्सेस हैं, ड्रेसेस हैं, काफ़ी सारी और चीज़ें जो कि हम लोकल यहाँ पे कर रहे होते हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं अपने ब्रांड्स प्रमोट करूँ बाहर, तो यहाँ पे इस तरह से कोई इकोसिस्टम डेवलप हो जाए कि हम जो अपनी इन्वेंट्री है वो इनके लिए दे सकें, और ये लोग क्योंकि पीसी रिलेटेड काम कर रहे हैं, मैं बस अपने लिए ये सोच रहा हूँ कि मैं क्योंकि जब पीसी पे फोकस करना शुरू करता हूँ तो मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और जब मैं उस तरफ जाता हूँ तो मेरा मैं पीसी से आउट हो जाता हूँ।
तो वो कुछ इनिशियली कोई चीज ऐसी बन नहीं पा रही है कि हम उसको कोई चीज कर सकें। तो इस हवाले से अगर आप कोई रास्ता निकालें कि जी तौसीफ साहब देखिए, मैन्युफैक्चरर के लिए जो अपना ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग चला रहा है उसके लिए मुझे अंदाजा है कि वो कितना टाइम कंज्यूमिंग और जो रिसोर्सेज ड्रेन करता है, तो डेफिनेटली आपके पास टाइम नहीं होता। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है वो सजेशन ये होती है कि वो आउटसोर्स कर दे सर्विसेज को, ठीक है। आप अगर खुद से प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बंदा आउटसोर्स कर ले, आप वीए हायर कर ले कि यार वो आपके लिए लिस्टिंग करे, वो आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करे, ठीक है। कोई ऐसा पार्टनरशिप कर ले कि जो बंदा जो एफबीए बिजनेस को समझता है और वो आपकी प्रोडक्ट्स को या आपकी इन्वेस्टमेंट को और अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ या अपनी आईडी और आपकी आईडी, मतलब कोई किसी जो आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, उसके पास शायद आईडी ना हो, मे बी आपके पास आईडी हो, शायद उसके पास उतनी इन्वेस्टमेंट ना हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, या आप कह रहे हैं यार तुम अपनी स्किल्स लगाओ, मेरी प्रोडक्ट लगाओ, ठीक है। तो आप इस तरह से पार्टनरशिप में जा सकते हैं ताकि आपका दोनों एंड्स आप मैनेज कर सके, ठीक है। मींस के ये भी तो हो सकता है कि मैं अपनी इन्वेंटरी आउटसोर्स कर दूं, मींस के हम उसको एक ब्रांड की फॉर्म दे रहे हैं और उसको हम एफबीए कर दें और ये सारी फोर्स उससे कनेक्ट हो जाए कि वो अपनी अपनी एक एक लिस्टिंग इसकी भी कर लें, क्योंकि हमारे पास लिस्टिंग्स देने को बहुत सारी हैं। अगर मैं, मेरे साथ दो वीए हैं जो कि मैं ट्रेन भी कर रहा हूं प्लस उनको सपोर्ट भी कर रहा हूं, तो उनसे जो हमने चीजें डील की हैं अभी ज्यादातर आईडी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। अब अगर मैं उन दो वीए पे डिपेंड करके चलता हूं, कभी भी उनका अकाउंट सस्पेंड होता है जो कि होना ही है, तो एटलीस्ट ये है कि मैं काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ एफबीए बेचकर चीजों को। अच्छा, तो अगर ये फोर्स एक एक लिस्ट करती है और वो वहां से उसको वो कर ले, क्योंकि वो लिस्टिंग तो वैसे भी लोगों की डमी ही उठा रहे हैं, मतलब वो दुनिया भर से जहां से भी उनको सही सैलर मिल रहा है, और इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे दे सकते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम एक ब्रांड डेवलप करें जिसका सोर्स पाकिस्तान ही हो, मतलब हम ही हो, जैसे माइकल कौर है या जैसे कोई बड़े ब्रांड्स है जो कि जिनकी प्राइसेस पे लोग लेते हैं, लोग नेट पे ही सर्च करते हैं मोस्टली ये ब्रांड्स और देखते हैं कि भाई ये ब्रांड्स की प्राइसेस ये हैं। तो अगर हर जगह एक ही प्राइस नजर आ रही होगी और लोग इनको फोर्स को एक अच्छे अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो भी कवर हो जाएगा और इतनी जगहों पे लोग स्टॉकिंग करेंगे। मतलब इट्स अ स्ट्रेटजी के आपसे अलग से डिस्कस हो सकती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, प्रॉक्सी सेलिंग जो है ना, बेसिकली प्रॉक्सी सेलिंग, हमारा जो ईसी प्रॉक्सी सेलर ग्रुप है, इट्स फोकस्ड ऑन प्रॉक्सी सेलिंग। और जो आपने जो सारी डिस्कशन की है ना, इसको मैं एक वर्ड में समराइज कर दूं तो वो है प्रॉक्सी सेलिंग। हमारे यहाँ पे जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, ये कर ही, यदि आपने शुरू में गिला सुना होगा सारा, वो बेसिकली था ये कि लोग प्रॉक्सी सेलिंग को पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, और जो आप मॉडल ऑफर कर रहे हैं वो प्रॉक्सी सेलिंग है कि आपकी प्रोडक्ट, एक पाकिस्तानी भाई की प्रोडक्ट एफबीए में पड़ी हुई है, आप उस प्रोडक्ट को लगा दो अपने पास, और वो पाकिस्तानी भाई आपको एडवांटेज क्या दे रहे हैं कि वो आपको लिस्ट प्राइस से कम में ऑफर कर रहा है, ठीक है। आपने अमेजन में से वो चीज एफबीए में रखवाई हुई है $20 की, आप शायद अपनी लैंडिंग कॉस्ट और प्लस अपने मार्जिन के साथ इनको $18 में दे दें। अब बाकी जो भी ड्रॉप शिपिंग करेगा उसके लिए सोर्स प्राइस 20 है, लेकिन हमारे एफबीए, हमारे प्रॉक्सी सेलर के लिए सोर्स प्राइस 18 है, तो उसमें $2 का कंपटीशन मार्जिन आ गया, ठीक है। तो हमारे प्रॉक्सी सेलर उसको लिस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने जस्ट इसी प्रॉक्सी सेलर ग्रुप के ऊपर जाएं और जाके अपनी वो एफबीए की जो लिस्टिंग है उसका लिंक, या अगर हाँ वो मेंशन कर दें और वहां पे बता दें कि जी मैं ईबे के प्रॉक्सी सेलर्स को ये प्रोडक्ट इतने में दूंगा, ठीक है, और वेयरहाउस मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट जो है, ये हमारे जितने भी सेलर्स हैं, मैं अब इनके पीछे पड़ा रहूंगा और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको ग्रुप से खुदा ना खासा निकाल भी दिया जाएगा। ये आपकी वो लिस्टिंग कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास 300 तकरीबन मेंबर्स हैं, तो कुछ भी नहीं तो 200 लिस्टिंग डे वन पे हो सकती है, ठीक है। 200 सेलर आपके लिस्टिंग पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो यही सारा, सारी एक्टिविटी का मकसद ये है। लेकिन क्योंकि अभी इतने सेलर्स अवेलेबल नहीं है के लोग ईबे पे जस्ट प्रॉक्सी सेलिंग से अच्छे प्रॉफिट्स कमा सके, इसलिए उनको ये ड्रॉप शिपिंग का एवेन्यू दिखाना जरूरी था। बेसिकली इतना सेफ बिजनेस होता है, इसमें रिस्क्स होते हैं, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से मैनेज ना करें तो अकाउंट स्पेंड भी हो जाते हैं। तो लेकिन दिखाना जरूरी था, राह दिखाना हमारा काम है कि हमने क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से लेके चल सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग से क्या होगा कि लोगों को लिस्टिंग मिलना शुरू हो जाएंगी, लिस्टिंग मिलेंगी तो सेल्स आना शुरू हो जाएगी, सेल्स आएगी तो वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। तो जब ये लोग इंटरेस्ट लेंगे तो वो जो प्रॉक्सी सेलिंग है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगी।
अच्छा, क्या हम ईबे पे बल्क प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल पैक ऑफ 300, पैक ऑफ 200, कर पैक सकते ऑफ हैं, टू बिल्कुल हंड्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बल्क बल्क लिस्टिंग, आप मैनुअल लिस्टिंग बजाय आप ऑटोडीएस से ना जाए। ऑटोडीएस उन लोगों के लिए जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप मैनुअल ठीक है लिस्टिंग बजाय मेरी प्रीवियस वीडियो लिस्ट कैसे करते हैं वहां पर ठीक आप है उसको देख सकते हैं कि आप उसको बल्क में भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। बाकी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसको हम पर्सनली फिर जो है ना कि सेपरेट टाइम में इसको मजीद इसकी वायबिलिटी को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, कहाँ रब्ता आपसे किया जाए? ग्रुप पे ही? मैं इसी प्रॉक्सी सेलर ग्रुप में है, फेसबुक पे कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ मैं, वहां पे कर लें जहां पे आपको मुनासिब लगे। ठीक है ठीक है मैं जी, व्हाट्सएप पे आपको देखता हूँ। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इरफान इफी का हैंड रेज हुआ है, इरफान इफी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ऑटोडीए से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन है, बट ये का आज आपको जल्दी जाना है तो मैं 102 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें ये एक बड़ी मॉनिटर है, मेहरबानी। हाँ मॉनिटर के अंदर एक जनरल सेटिंग है और एक अमेजोन सेटिंग है ना, तो जनरल सेटिंग के अंदर ये मैक्सिमम शिपिंग टाइम 3 डेज करते हैं और ये अमेजोन के अंदर भी यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम शिपिंग टाइम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जर्नल सेटिंग्स जो है वो है कि आपकी प्रोडक्ट रिगार्डलेस किसी भी मार्केट से आप सोर्स कर रहे हो तो जर्नल सेटिंग उसके ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अमेजन के लिए स्पेसिफाइड हो गया अमेजन, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने अमेजन के ऊपर मेरा मेन जो सोर्स पॉइंट है वो अमेजन है, मैंने अमेजन की डिटेल लिस्टिंग कर दी, बाकी सबके लिए मैंने जनरल लिस्टिंग कर दी। अब मैं प्रोडक्ट उठा रहा हूँ अलीबाबा से तो वो मेरी जनरल लिस्टिंग की जनरल सेटिंग अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। अमेजन की सेटिंग अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। अमेजन के लिए उसे स्पेसिफाइड कर दिया। हाँ अगर मैं जाके अलीबाबा के लिए भी अलग से सेटिंग कर देता हूँ तो जो बैंक गुड्स है और जो उसके अलावा और 2-3 होम डिपो वगैरह उनके लिए वो जनरल अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दो बेसिक लिमिटेशंस है, ठीक है। एक चीज समझ आ गया, बाजू का अमेजोन की लिस्टिंग पे जो ना अक्सर इशू कर रहा होता है कि स्टॉक के अंदर 3 पीस रह गए, 5 पीस रह गए, तो वो इसको आउट ऑफ स्टॉक कैसे करेगा? अगर आपने मैंने लिस्टिंग में जाकर सेटिंग्स में जाकर एक जगह पर मेंशन किया था, ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी वहां पे थी, ठीक है। अगर आप उसमें जाके ऑर्डर मेंशन कर देते हैं 9 या 8 मेंशन कर देते हैं तो जैसे ही वो सेल होके 8 पर आएंगे अमेजन के ऊपर, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ही सिंक कर रहा होता है डेटा को, तो जैसे ही ये उसको डिटेक्ट करेगा कि वो क्वांटिटी जो है वो कम रह गई है, सॉरी ये उसको जो है वो जीरो कर देगा लिस्ट को। अच्छा, मतलब ये शिपिंग से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब वहां पे जो जो दूसरी सेटिंग कह रहे हैं कि आप मिनिमम अलाउ क्वांटिटी इन स्टॉक, उसमें जाके करना पड़ेगा मैं। जी जी ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये कि एक जब हम ये अपलोडर से जब हम डिटेल्स को ग्रैब करते हैं तो ये टाइटल अमेजोन ये जब उठा रहा होता है तो वो खुद ब खुद उठा लेता है, तो ये SEO बेस्ड टाइटल होता है या मतलब जो अक्सर हम सर्च कर रहे होते हैं जो कीवर्ड्स वगैरह सर्च होते हैं तो ये उसी से रिलेटेड ही कीवर्ड्स होता है? ये फर्स्ट 80 करेक्टर्स उठाता है, जो अमेजन की लिस्टिंग के फर्स्ट 80 करेक्टर्स है ये उठाता है। इसके ऊपर जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने टाइटल और लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी कि हम इनको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अब दो अप्रोच हो सकती है, एक अप्रोच ये हो सकती है कि हम अगर लूज चले तो हम अपनी नंबर ऑफ लिस्टिंग को बढ़ाने के लिए कोई भी एडिट्स ना करें और जल्दी जल्दी ये चीजें ग्रैब कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक अच्छा वे क्या है कि हम अपनी हर लिस्टिंग को 5-10 मिनट दें, ठीक है, और उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करें। तो आप अगर काइंडली उस पहली वीडियो को फॉलो कर लें तो आपको डिटेल में टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज वहां से इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है जी। इफी थे ऑनलाइन, इफी आपको आवाज आ रही है? आप हमारे साथ है इरफान इफी साहब? अच्छा सैसम साहब के मैंने 2-3 दफा शायद क्वेश्चंस को देखा है कि उन्होंने मैसेज टाइप किया लेकिन उनका हैंड रेज भी नहीं है और मैं अभी उनका रिप्लाई भी नहीं देना चाहता हूँ। मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है, उसके ऊपर डिटेल्ड स्टडी करके कि वो ऑप्शन जिनका जिक्र कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट क्या है लिस्टिंग के ऊपर, तो उसको मैं स्टडी करूंगा फिर आपको मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है सर। अब आप कब मुझे वीडियो नजर आ रही है तो थम्स अप कर दे अगर आप एग्री कर दे तो, ठीक हो गया सर।
ठीक है जी, और किसी का अगर कोई कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं ये सेशन जो है वो एंड कर देता हूँ। चले, मुझे कोई और मजीद हाथ तो खड़ा नजर नहीं आया। सारों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि ईबे के आप लोग सारे बूटकैम्प के या वीडियो बूटकैम्प के मेंबर्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियोस जो है वो अवेलेबल है हमारे वीबीसी के अंदर, ठीक है। बूटकैम्प के अंदर जो स्टूडेंट है उनको भी शायद वीडियो में जाके मिल जाए, लेकिन उनको मिलेगी अमेजन से रिलेटेड, ईबे से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसकी वीडियो अवेलेबल है वीबीसी में। वो वहां से जाके प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो को देखें, प्रोडक्ट को हंट करें, प्रॉक्सी सेलर्स की तमाम लिस्टिंग को 5-5 मिनट लगा के ग्रैब करके उनको लिस्ट करें, प्लस फिर प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर जाएं और जाकर अपनी प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करें और डेली बेसिस के ऊपर लिस्टिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। मीटिंग को मैं, रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मैं लास्ट फ्यू इंस्ट्रक्शन देके आपसे ज्यादा चाहता हूँ।